हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, क्लास 12th की ज्योग्राफी बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एक चैप्टर ये बचा था, बाकी सारे चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं, तो इसकी भी शुरुआत करते हैं बहुत जल्दी, 2-3 दिन के अंदर ये भी आपको मतलब वीडियो जिसके मिल जाएंगे, बट पार्ट्स में आएंगे, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो आज हम जानेंगे क्या टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उससे संबंधित बुक में जो भी दे रखा है मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, टू द पॉइंट आपको सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। इससे पहले आप सबको बताएं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पता होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो टाइप की होती हैं, एक तो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसको करने पर आपको पैसा मिलता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनको करने पर आपको पैसा नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करूँगा, आप खेती करते हो, एग्रीकल्चर करते हो तो बदले में पैसा मिलेगा, आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो बदले में आप पैसा मिलेगा, आप मतलब ट्रेड करते हो, व्यापार करते हो तो भी पैसा मिलेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक आ जाएंगी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे फॉर एग्जांपल आप खेल रहे हो, है ना, बस ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए खेल रहे हो, खेल तो रहे हो, ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, मगर उसमें पैसा नहीं मिलेगा, है ना। और अगर आप मान लो जस्ट वॉचिंग टीवी या किसी दोस्तों से बात कर रहे हो या सो रहे हो, ये सारी एक्टिविटी कैसी है, नॉन इकोनॉमिक। फिलहाल हमारा कंसर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज से है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का टाइप, है ना। एक चैप्टर आपका पूरा पढ़ा होगा अपने प्राइमरी एक्टिविटीज़ का, एक सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का। तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को वैसे तो मेजरली 3 टाइप की होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी के अंदर ही हम 2 और इंक्लूड कर देते हैं, हालांकि ज्योग्राफी में अलग से दे रखी है, मगर इनको ये दोनों टर्शियरी के अंदर ही आती हैं। कौन सी, क्वार्टरनरी और क्वेनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में लास्ट में हम पढ़ेंगे। हल्का सा इंट्रोडक्शन में ये दे देता हूँ, एग्रीकल्चर से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, या नेचर से जहाँ पर जो एक्टिविटीज़ नेचर से कनेक्टेड है ना, एनवायरमेंट के रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट करने से संबंधित हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़। इसमें मेनली एग्रीकल्चर आ जाएगी। जहाँ पर किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, इंडस्ट्री से संबंधित जो सेक्टर है वो है टर्शियरी एक्टिविटीज। और जहां सर्विसेज की बात आए, किसकी बात आए, सर्विसेज। अब सर्विसेज के बारे में पता होगा, इनको हम टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल होती हैं, तो जितनी भी सर्विसेज हैं वो टर्शियरी एक्टिविटीज में आ जाएंगी, इसलिए इसको टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। टर्शियरी के अंदर अगर थोड़े से ज़्यादा हाईली पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, क्वालिफाइड लोग होते हैं, वेल स्किल्ड लोग होते हैं, हाईली जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, वो आते हैं आपके क्वार्टरनरी सेक्टर में। और इसमें भी और सबसे ऊपर का जो लेवल होता है वो है क्वेनरी एक्टिविटी, जहाँ पे जनरली डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स, है ना, जो हेड होते हैं कंपनी के, वो सब इसी में आते हैं क्वेनरी एक्टिविटीज़ में। क्वेनरी एक्टिविटीज़ में जो लोग काम करते हैं उनको हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर। कैसे वर्कर, गोल्ड कॉलर वर्कर। प्राइमरी एक्टिविटी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर, है ना। सेकेंडरी टर्शियरी में भी हमने देखा था कि जो ऑफिस में काम करते हैं ना उनको व्हाइट कॉलर वर्कर बोलते हैं, और जो फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होता है उनको हम ब्लू कॉलर वर्कर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉलर्स भी हमने देख ली। तो शुरुआत करते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़, बुक में जो भी दे रखा है हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। पहली बात तो टर्शियरी एक्टिविटीज़ सर्विस सेक्टर से संबंधित है। आप सबको पता है इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं मेनली, पहला है प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से संबंधित, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री से संबंधित, और तीसरा है सर्विस सेक्टर। तो टर्शियरी एक्टिविटीज़ कौन से सेक्टर में आती हैं, सर्विस सेक्टर में आती हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज इंक्लूड सर्विसेज टू कंज्यूमर सच एज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ। टर्शियरी एक्टिविटीज में वो सभी सर्विसेज आ जाती हैं जो कंज्यूमर को दी जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है, ठीक है, कम्युनिकेशन एक सर्विस है, एजुकेशन भी एक सर्विस है, हेल्थ भी एक सर्विस है। सर्विस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, सर्विस एक ऐसी एक्टिविटी है जो इनटेंजिबल है, आप इसको छू नहीं सकते, ठीक है। आप मत देते हो सर्विस, आप दोगे तो बदले में आपको वेजेज मिलेंगी, मजदूरी, या वेजेज आपको मतलब पेमेंट मिलेगा, या यूँ समझ लो आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। मेजर किस कैसे करेंगे आप, मंथली अगर आपको मतलब कोई सर्विस दे रहे हो तो मंथली तो सैलरी मिलती है, पर डे के हिसाब से देखें तो वेजेज देखते हैं, और थोड़ी बहुत देर के लिए सर्विस दिए तो उसका पेमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो सर्विस को मेजर करने का तरीका क्या है, अगर 1-2 घंटे के लिए कुछ ऐसा होता है तो पेमेंट, हाँ भैया ये सर्विस दिए, पेमेंट दो, आपने बाइक की सर्विस करवाई, पेमेंट कर दिया आपने, ठीक है। वेजेज मजदूरी, पूरे दिन आपने काम किया, कोई सर्विस दी तो उसके बदले मजदूरी मिल जाती है, पूरे महीने काम किया उसके बदले में आपको सैलरी मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसे इनको मेजर करते हैं, राइट। स्किल्ड पीपल आर नीडेड इन सर्विस सेक्टर। अब सर्विस देनी है आपको यार, अलग अलग तरह की हमारे आसपास सर्विसेज हैं। अब ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति कोई भी सर्विस देने लग जाए, कि कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बन जाए, कोई भी व्यक्ति इंजीनियर बन जाए, कोई भी व्यक्ति लॉयर बन जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सर्विस देने के लिए पहले आपको या किसी भी व्यक्ति को अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, अपने आप को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, अपने आप को पढ़ना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ती है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी पड़ती है, तब जाके वो सर्विस देने लायक बनता है।
तो सर्विस देने के लिए हमें स्किल्ड लोग चाहिए, स्किल्ड पीपल चाहिए जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, मगर बदले में उनको क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है फीस के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो डॉक्टर साहब सर्विस देंगे, बच्चों को पढ़वाना है टीचर मतलब सर्विस देंगे अपनी, और लीगल सर्विसेज हैं कोई डिस्प्यूट से संबंधित तो वहाँ पर लॉयर साहब अपनी सर्विस देंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर टीचर लॉयर ये डायरेक्ट थोड़ी बनते हैं, ये पहले मेहनत करते हैं, पहले स्किल अर्जित करते हैं अपने अंदर, पहले क्वालिटीज लाते हैं, पहले पूरी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, फिर ये प्रैक्टिकल मतलब इनको नॉलेज मतलब गेन करते हैं, तब जाके ये सर्विस देने लायक बनते हैं। तो अभी इतनी सारी मेहनत करी है तो सर्विस देंगे तो बदले में क्या लेंगे, पेमेंट लेंगे, ठीक है, ये सिंपल सा। मैन पावर, अब देखो ध्यान रखना, कभी भी ज्योग्राफी में इकोनॉमी में कहीं भी जब भी बात मैन पावर की आती है तो कहीं पर भी जो लोग काम कर रहे हैं ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मैन पावर। बिल्कुल सिंपल सा मतलब है मैन पावर, है ना। अगर आप कोई स्कूल चला रहे हो, स्कूल में जितने भी लोग लगे हैं वो स्कूल की मैन पावर होगी। अगर आप इंडस्ट्री चला रहे हो, इंडस्ट्री में जितने भी लोग लग रहे हैं दैट इज इंडस्ट्री की मैन पावर। अगर आप मतलब कोई रेस्टोरेंट चला रहे हो वहाँ पर जितने भी लोग लग रहे हैं वो वहाँ की मैन पावर। बैंक में काम करने वाले बैंक की मैन पावर, समझ गए ना मैन पावर क्या होती है। तो मैन पावर मेन कंपोनेंट है टर्शियरी एक्टिविटीज का, क्योंकि सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड की जाती हैं प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट, स्किल्ड लेबरर्स और कंसल्टेंट, ठीक है। तो जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं उसके लिए हमें स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ती है। थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड इन सर्विस सेक्टर ऑक्यूपेशन सच एज हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस, रिक्रिएशन। तो देखो अगर आपको सर्विस सेक्टर में जाना है, सर्विस सेक्टर में आपको जॉब करनी है, तो वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या है, जो स्कूलों में कॉलेजों में जो नॉलेज मिलती है उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। जैसे मान लो आपने फॉर एग्जांपल बीटेक की, इंजीनियरिंग की, ठीक है, तो बीटेक क्या हो गई, थ्योरेटिकल नॉलेज, फिर आपने इंडस्ट्री में काम किया तो वो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई, तब जाके आप बेटर सर्विस देने योग्य बनते हो। सिमिलरली डॉक्टर के केस में आपको MBBS की, MBBS करने के बाद फिर आपने डॉक्टरों ने स्टार्टिंग में हॉस्पिटल में ट्रेनिंग की और उसके बाद फिर वो सर्विस देने लग जाते हैं। तो कोई सा भी सेक्टर ले लो, पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, फिर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तब जाके आप सर्विस देते हो, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लॉ हो, गवर्नेंस हो और रिक्रिएशन हो, ठीक है। टर्सरी एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन भी होता है, टर्सरी एक्टिविटीज़ में एक्सचेंज भी देखने को मिलता है। क्या मतलब है टर्सरी एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन और एक्सचेंज का, अब देखो इसको एग्जांपल सही समझते हैं तब जाके आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। टर्सरी एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन वाली सर्विस कौन सी हैं और एक्सचेंज वाली सर्विस कौन सी हैं। प्रोडक्शन का मतलब है आप कोई भी काम कर रहे हो, ध्यान देना, आप कोई भी काम कर रहे हो, बदले में अगर आपको सैलरी मिल रही है या वेजेज मिल रहे हैं तो आप समझ लो सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। सर्विसेज का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन इंक्लूड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज देट आर कंज्यूम्ड बाई दी पीपल, मतलब प्रोडक्शन में ऐसे ही मतलब सर्विसेज आती हैं जो लोग कंज्यूम करते हैं, और यहाँ पे आउटपुट किसमें मेजर करते हैं, वेजेज या सैलरी। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, यहाँ पे टीचर साहब मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये एक सर्विस का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। स्कूल में क्या होती है, कई सारे टीचर लगा देते हैं, वो क्या करते हैं अपनी जॉब करते हैं, लोगों को सर्विस देते हैं, कौन यूज कर रहा है उसको, स्टूडेंट यूज कर रहे हैं। तो इनको पेमेंट कैसे मिलता है, या तो वेजेज के रूप में या सैलरी के रूप में, जनरली स्कूलों में सैलरीज मिलती है। अब वेजेज में क्या है, जैसे मान लो आप डेली कहीं किसी जगह पे कोई वर्कर है काम कर रहा है, तो एक दिन में उसने अपनी सर्विस दी, लोगों ने उसको यूज किया, है ना। जैसे मान लो एक लेबरर है घर में, मतलब सपोज कोई मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पर कई सारे लेबर की जरूरत पड़ती है, पूरा दिन काम करते हैं, तो वो उन्होंने अपनी सर्विस दी, बदले में उनको क्या मिलता है, वेजेज मिल जाते हैं। तो ये तो आ जाएगा प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में सर्विसेज जो होती हैं उनको कैसे मेजर करते हैं, वेजेज और सैलरी के रूप में। एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज बहुत आसान है, आपने कोई सर्विस दी तुरंत तो उसको आपको क्या मिल जाएगा, उसका पेमेंट मिल जाएगा, या आप मतलब कोई सर्विस दे रहे हो तुरंत मतलब यहाँ पे पैसा तुरंत एक्सचेंज करना पड़ता है। जैसे इट इन्वॉल्व ऑल दोज फैसिलिटी दैट आर यूज टू ओवरकम डिस्टेंस, इसमें वो सभी फैसिलिटीज आती हैं जो डिस्टेंस को कम कर देती हैं, तो वो सारी सर्विसेज इसमें आ जाती हैं। जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यापार कर रहे हो, तो व्यापार में क्या होता है, सिंपली आपने पैसा दिया आपको सामान मिल जाएगा, हो गया एक्सचेंज। आप ट्रांसपोर्ट की बात करो, आप किराया दो और बस को एंजॉय करो, बस का मतलब सर्विस एंजॉय करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, रेल का मतलब ऐसे एंजॉय करो, एरोप्लेन का भी एंजॉय करो, है ना, और शिपिंग जो होती है उनको भी एंजॉय करो। तो यहाँ पे आप पैसा दो और ट्रांसपोर्ट की सर्विस। सेम कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में आपको इंटरनेट चलाना है, पहले आपको पैसा देना पड़ेगा, वो बदले में आपको सर्विस देंगे। तो ये हो गई एक्सचेंज वाली सर्विसेज, ठीक है। टर्सरी एक्टिविटीज में कॉमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज, हाँ, टर्सरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व कॉमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज रादर देन प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स। अब एक चीज़ और ध्यान देखनी पड़ेगी, टर्सरी एक्टिविटीज में कुछ हम जैसे, अब देखो एक आप समझना, एक जब हम इंडस्ट्री पढ़ी थी और या सेकेंडरी एक्टिविटीज पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि जैसे मान लो शुगर मिल है, शुगर मिल क्या कर रही है, शुगर केन को किस में कन्वर्ट कर रही है, शुगर में। तो शुगर क्या है, एक टेंजिबल गुड है। टेंजिबल गुड क्या आती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। तो
टर्शियरी एक्टिविटीज में ऐसी कोई भी गुड्स हम प्रोड्यूस नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज दी जाती है। और मैंने बताया था सर्विसेज कैसी होती हैं, सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर अपनी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके आपको दवाई लिख रहा है ना। तो वो जो नॉलेज और एक्सपीरियंस उसने गेन किया उसका मतलब इस्तेमाल करके वो क्या दे रहा है आपको, सर्विस दे रहा है, और उसके बदले में वो फीस चार्ज कर रहा है। तो टर्शियरी एक्टिविटीज में कोई भी टेंजिबल आइटम प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। तो टर्शियरी सेक्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विसेज, ये सब किस में आ जाती हैं, टर्शियरी एक्टिविटीज में आ जाती हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं यार सर्विस सेक्टर के, एक दो एग्जांपल नहीं है, हैं कंसल्टेंट हो गए, लॉयर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ड्राइवर हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, टीचर हो गए, है ना। ये जितने भी लोग हैं ये सब क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। कभी भी ध्यान रखना, आप जो सर्विस आप यूज करते हो उस सर्विस को आप टच नहीं कर सकते, है ना। आप टीचर पढ़ा रहा है सपोज आपको, तो ऐसा नहीं कह सकते घर जाके साहब आज मैं 2 KG ज्योग्राफी पढ़ के आया हूँ, मम्मी कही कहाँ है भैया दिखाओ 2 KG ज्योग्राफी कहाँ है आपकी। तो आप मतलब जो टीचर है वो अपनी टीचिंग करा रहा है, आपको सिखा रहा है, समझा रहा है, और किसके आधार पर समझा रहा है, अपने ट्रेनिंग के आधार पर, अपनी एजुकेशन के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है। आप बस उसको यूज कर रहे हो। तो ये इंटेंजिबल है, सर्विस कैसी होती है, इंटेंजिबल। तो कौन कौन सी है कॉमन सर्विसेज, देखो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, बार्बर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पब्लिशर, ये सब क्या दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। फिर NCERT में एक सर्विस सेक्टर का क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो सर्विस सेक्टर में आपको देखो टर्शियरी एक्टिविटीज भी आ जाएंगी, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज भी आ जाएंगी, क्वेनरी। क्वार्टरनरी में ध्यान रखना रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित मेनली हाईली जो नॉलेजेबल लोग होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, और जो डिसीजन मेकर जो होते हैं ना किसी भी जगह पे वो किसमें, क्वेनरी एक्टिविटीज में आ जाएंगे। चलो पहले शुरू से देखते हैं। तो टर्शियरी एक्टिविटीज सर्विस सेक्टर में टर्शियरी एक्टिविटीज जो आती हैं इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें एक तो होता है होलसेल ट्रेड, दूसरा होता है रिटेल। होलसेल में आपको पता है बल्क में चीज़ें खरीदी जाती हैं और रिटेल में स्मॉल क्वांटिटी में खरीदी जाती हैं। होलसेल ट्रेड आपको अर्बन एरिया में भी देखने को मिलेगा, रूरल एरिया में भी देखने को मिलेगा। रिटेल ट्रेड जहां पे कंज्यूमर सीधा दुकानदार से चीज़ें परचेज करता है छोटी कम क्वांटिटी में, वो रिटेल हो जाएगा। रिटेल आपको रूरल में भी देखने को मिलेगा, रिटेल आपको अर्बन में भी देखने को मिलेगा। रूरल में रिटेल ट्रेड में पीरियोडिक मार्केट होते हैं, स्टोर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडिंग, PDS इनको हम समझेंगे, है ना। और अर्बन में क्या होते हैं, अर्बन में चेन स्टोर्स, मेल ऑर्डर और कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर्स, PDS। PDS का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, ये सारी चीजें। मेल ऑर्डर में टेलीफोन और इंटरनेट। अच्छा, कम्युनिकेशन की बात, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में रेल, रोड, वाटर, एयर, एयर में भी ओशनिक, ओशनिक में भी कार्गो सर्विसेज और पैसेंजर। कार्गो में बड़े बड़े पानी के जहाज जहाँ पे सामान जाता है, पैसेंजर में व्यक्तियों को ले जाया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें इनलैंड भी होता है एज वेल एज ओशनिक भी होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना एयर जो है ना, एयर में ये पैसेंजर भी आ जाएगा और कार्गो भी आ जाएगा, ऐसे आएगा एयर का, है ना। और वाटर का जो है इनलैंड होता है देश के भीतर, ओशनिक, ओशनिक में क्या होता है समुद्र के माध्यम से एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जब ले जाते हैं, राइट। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। शुरू शुरू में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ करते थे वही कम्युनिकेशन का की तरह भी यूज होते थे। टेलीकम्युनिकेशन टेलीफोन, लैंडलाइन और मोबाइल। और ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में फिल्म्स, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया में मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सब किसका पार्ट है, कम्युनिकेशन। और ये सब सर्विस हैं। और भी सर्विसेज हैं जैसे फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, रियल इस्टेट में जो बिल्डिंगों की खरीद फरोख्त करते हैं ना, बिल्डिंग्स जो होती हैं ना, और पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं प्राइवेट, गवर्नमेंट और NGOs के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में आपकी इन्फॉर्मेशन बेस्ड सर्विस आती हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित आती हैं। क्वेनरी एक्टिविटीज होती हैं सबसे हाईएस्ट लेवल के सर्विस सेक्टर में आते हैं, इसमें स्पेशलिस्ट, डिसीजन मेकर्स, कंसल्टेंट, पॉलिसी मेकर्स, ये सब क्वेनरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाले टॉपिक्स में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन और एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रेड एंड कॉमर्स, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अर्बन ट्रेडिंग सेंटर और रूरल ट्रेडिंग सेंटर के बारे में। ये चैप्टर नंबर 6 है, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, क्लास 12th की ज्योग्राफी बुक है आपकी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मैंने डाल दिया तो उसको देखें, और आज इसको समझें क्या होते हैं अर्बन ट्रेडिंग सेंटर और रूरल ट्रेडिंग सेंटर क्या होते हैं, बेसिक्स के साथ जानेंगे, बिल्कुल शांति से जानेंगे। अब पिक्स में देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। ट्रेडिंग सेंटर का मतलब होता है मार्केट, जहाँ पे मतलब चीज़ें खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं, ठीक है। तो एक तो गाँव के मार्केट देखेंगे रूरल मार्केट, और दूसरा शहरों के मार्केट देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, व्यापार हो रहा है, लेन देन हो रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहले इसको जानने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें जो पूरे चैप्टर में आपको काम आएगा। मार्केट चेन क्या होती है, कि कैसे मार्केट मतलब चलता है, कैसे चीज़ें आती हैं। सपोज मैं यहाँ पे कंज्यूमर हूँ, मैं अपने आप को यहाँ पे कंज्यूमर मान रहा हूँ, और कंज्यूमर आप समझते हो, कंज्यूमर किसको बोलते हैं, उपभोक्ता। कंज्यूमर वो होता है ग्राहक, जो मतलब सामान खरीद के लाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। तो मेरे पास सपोज हम आज बात करेंगे, चलो इसमें एग्जाम्पल में, कि चीनी कैसे आती है। तो चीनी की बात करें तो एक फैक्ट्री होगी, शुगर मिल होगी, ये है शुगर मिल, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने भारतीय शुगर मिल, भारतीय शुगर मिल दे दिया। यहाँ पर चीनी बन रही है, तो जिस जगह पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है उस चीज़ को, उस कंपनी को हम बोल देंगे प्रोड्यूसर। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं पर कोई चीज़ बनेगी, जैसे अगर चीनी की बात करें तो फैक्ट्री में बनेगी, तो फैक्ट्री क्या कहलाएगी, ये प्रोड्यूसर। अब यहाँ से चीनी कैसे जाएगी, जनरली एक जनरल वे बता रहा हूँ, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम भी हो गया है, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से सीधे ऑनलाइन कंपनी ले लेती है और ये सीधे भेज देती है ग्राहक के पास। पर एक नॉर्मल जो एक परंपरा बनी हुई है, अब तक एक सिस्टम चलता आ रहा है, नॉर्मली क्या होता है, प्रोड्यूसर से बल्क में परचेज कर लिया जाता है। बल्क में मान लो एक कंपनी है, और इस कंपनी से किसी व्यक्ति ने, जो मतलब होलसेलर है, जो बल्क में परचेज करते हैं, बल्क का मतलब होता है इकट्ठा, एक साथ लार्ज क्वांटिटी में, उसको हम बल्क बोलते हैं। मान लो उसने 100 बोरी चीनी खरीद ली, कितनी बोरी खरीद ली, 100 बोरी चीनी को खरीद लिया। अब यहाँ पे आप जाके ऐसे नहीं कह सकते भाई हमें 5 रुपये की चीनी दे दो, 10 रुपये की चीनी दे दो, 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो। ये क्या करते हैं, सिर्फ जैसे मतलब बोरी चीनी खरीद लाते हैं उसमें ही मतलब ये ट्रेड करते हैं, भाई किसी को 10 बोरी चाहिए, 20 बोरी चाहिए, 5 बोरी चाहिए, तो ऐसे करके हैं। तो ये कंपनी से तो लेते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। अब आपके आसपास जो मार्केट होता है, जहाँ से आप चीज़ें खरीद के लाते हो, जिसको हम बोलते हैं रिटेलर, तो रिटेलर क्या करेगा, होलसेलर से मान लो 1 बोरी या 2 बोरी लेके आ जाएगा, और फिर यहाँ पे जाके आप उससे कह सकते हो, दुकानदार से, रिटेलर से, कि भैया हमें 1 किलो चीनी दे दो, या 2 किलो दे दो, या 5 किलो दे दो। तो जहाँ से हम सामान खरीद के लाते हैं वो जनरली होते हैं रिटेलर, और रिटेलर से सामान किसके पास जा रहा है, कंज्यूमर के पास। अब बात समझ भाई, तो सबसे पहले चीनी कहाँ बनी, जिस कंपनी बनी उसको हम प्रोड्यूसर बोलेंगे। यहाँ से बल्क में किसने परचेज कर लिया, होलसेलर ने परचेज कर लिया। होलसेलर से कौन ले लेगा, रिटेलर ले लेगा, ठीक है। और रिटेलर के पास कौन जाता है, कंज्यूमर के, भैया हमें 1 किलो चीनी दे दो, घर पे चाय बनानी है, ठीक है। तो ये होती है मार्केट चेन, बल्क में प्रोड्यूस, बल्क में परचेज करने वालों को होलसेलर, और कम क्वांटिटी में परचेज करते हैं रिटेलर, और बिल्कुल जो कंज्यूमर जहां से जनरली लेता है उसको हम रिटेलर बोलते हैं। आजकल कंज्यूमर चाहे तो होलसेलर से भी ले सकता है, अब हालत ऐसी हो गई है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ऑनलाइन मार्केटिंग भी आ गई है, तो अब होलसेलर भी रिटेलर की तरह भी काम कर रहे हैं, ठीक है। जनरली ऐसा भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मार्केट चेन ध्यान रखना, प्रोड्यूसर के बाद माल जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद जाएगा रिटेलर के पास, और रिटेलर के बाद जाएगा कंज्यूमर के पास, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। सबसे पहले ट्रेड का मतलब क्या है, व्यापार क्या होता है यार, किसी भी चीज़ को खरीदना और बेचना उसको हम क्या बोलते हैं, व्यापार बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे, ठीक है ना। और चीज़ कहाँ पे बन रही है, कंपनी में बन रही है। अभी हमने देखा ना, जैसे यहाँ पे सब वो चीनी बन रही है, तो चीनी को खरीदना और बेचना दैट इज कॉल्ड ट्रेड, ठीक है ना। और ट्रेड एक टाइप की सर्विस है, हमने लास्ट में देखा था, ट्रेड एक टाइप की सर्विस है, और इसमें रिटेलिंग और होलसेलिंग ट्रेडिंग आती है, रिटेल ट्रेडिंग और होलसेल ट्रेडिंग। अभी मैंने बताया ना, होलसेल बल्क में जहाँ पे माल परचेज हो रहा है उसको हम बोलते हैं होलसेल ट्रेडिंग, और जहाँ पे कम क्वांटिटी में माल बेचा जा रहा, खरीदा जा रहा, उसको हम बोलते हैं रिटेल ट्रेडिंग। और कोई भी व्यक्ति यार व्यापार क्यों करता है, सपोज ये यहाँ पे ये मार्केट बना रखा है, यहाँ पे ये मार्केट है, और या दो देशों के बीच में भी ट्रेड होता है जिसको हम बोलते हैं बाइलेटरल ट्रेड, है ना, आपने ये तो पढ़ ही लिया चैप्टर, बाइलेटरल ट्रेड बोलते हैं। और या कई देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है उसको मल्टी लेटरल ट्रेड बोलते हैं। तो क्यों करते हैं हम व्यापार, ताकि प्रॉफिट कमा सकें। कोई भी दुकान खोल के क्यों बैठा है भाई व्यापार करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कितना मार्केट है, कितने सारे लोग अपने यहाँ पे दुकान लगा के बैठे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है ना, ये बड़े बड़े मार्केट है, मॉडर्न मार्केट जो अर्बन एरिया में पाए जाते हैं, जैसे रिलायंस का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों लोग बैठे हैं, तो उसका एक ही पर्पज है, इन सबको क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। कैसे, ये चीज़ों को खरीद के लाते हैं और बेचते हैं, और ऐसे करके व्यापार चलता है, ठीक है। जिस जगह पे ये व्यापार हो रहा है, जहाँ पर ये ट्रेडिंग एक्टिविटी की जा रही है, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग की जा रही है, उस एरिया को हम बोलते हैं ट्रेडिंग सेंटर, है ना। द प्लेस वेयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज कैरिड आउट इज नोन एज ट्रेडिंग सेंटर। अब ये ट्रेडिंग सेंटर टाउन में भी हो सकता है, सिटी में भी हो सकता है, बड़े बड़े गाँव में भी हो सकता है, और जिस जगह पर ये सामान बेचा जा रहा, खरीदा जा रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग सेंटर्स, राइट। ट्रेडिंग सेंटर दो टाइप के होते हैं, अगर ये ट्रेडिंग सेंटर गांव में है तो इसको हम बोलेंगे रूरल ट्रेडिंग सेंटर, और अगर ये ट्रेडिंग सेंटर शहरों में है तो इसको हम बोलेंगे अर्बन ट्रेडिंग सेंटर। यहाँ पर पिक्चर में आप क्लियर देख सकते हो कितना ज़बरदस्त अंतर है। यहाँ पर एक नॉर्मल मतलब बेसिक सर्विसेज मिल जाएंगी, बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी, ये आप देखो शहरों की एक अलग ही चमक दमक होती है ना। तो ट्रेडिंग सेंटर हमारे दो टाइप के होते हैं, रूरल और अर्बन ट्रेडिंग सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं किस कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली। सबसे पहले हम देखेंगे रूरल ट्रेडिंग सेंटर, गाँव के
मार्केट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पिक्स डालूँ, आप समझ पाओ। तो रूरल ट्रेडिंग सेंटर की बात करें तो देखो, आप अगर थोड़ा सा गांव कभी गए हो या गांव में अगर आप रहते हो तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। रूरल ट्रेडिंग सेंटर जो होते हैं, जो अपने आसपास के जो सेटलमेंट होते हैं, सेटलमेंट मतलब जो आसपास के लोग रह रहे हैं, आसपास के जो घर हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और ये क्वासी अर्बन सेंटर होते हैं, मतलब क्वासी अर्बन सेंटर का मतलब है 100% वो चीज़ नहीं मिलेगी जो शहरों में मिलती है, मगर हाँ मोस्टली चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपको मतलब बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, डेली की यूज की जो चीज़ें चाहिए वो आप मिल जाएंगी। तो अब आपको यार आप कहें कि भाई गांव में ही तुम्हें मतलब एक स्पेशल सर्विसेज मिल जाए ना, वो सर्विसेज तो यहाँ पे मिल पाना पॉसिबल नहीं है, मगर हाँ अपना काम चलाने लायक डे टू डे अपनी लाइफ गुजारने के लिए यहाँ पे सर्विसेज मिल जाएंगी, मगर स्पेशल सर्विस चाहिए आपको, प्रोफेशनल सर्विस चाहिए तो उसके लिए तो फिर शहर में जाना ही पड़ेगा है। दीज सेंटर्स आर ऑफ रूडीमेंट्री टाइप। रूडीमेंट्री टाइप का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक स्टेज में, अभी शुरुआती स्टेज में, और बहुत ही बेसिक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, अपना काम चल जाए बस उतना, ठीक है। जैसे अगर मान लो गांव में आपको इन केस में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा बुखार जुखाम खांसी हो जाए तो वहाँ पे छोटे मोटे रहते हैं वो आपको मतलब ये सारी छोटी मोटी दवाई दे देंगे, सही कर देंगे, मगर अगर आप समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है तो फिर आपको शहर जाना ही जाना पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो मतलब बेसिक चीज़ मिल जाएगी। एजुकेशन की बात करें तो बेसिक एजुकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, मगर आपको स्पेशल एजुकेशन चाहिए, आपको डिग्री चाहिए, आपको बड़े कॉलेज में जाना है तो फिर आपको शहर में जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज यहाँ पे अच्छी तरह से डेवलप नहीं होती हैं, ठीक है। जिस तरह की पर्सनल सर्विसेज आपको सिटी में मिलेंगे, जिस तरह की प्रोफेशनल सर्विस आपको सिटी में मिलेंगे, जिस तरह की हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज आपको सिटी में मिलेंगे, वो गाँव में नहीं मिलेंगी। दीज सेंटर्स प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर्स। तो लोकल जो लोग होते हैं, लोकली सामान को कलेक्ट करके लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके लाते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। रूरल सेंटर यहाँ पे मंडी भी हो सकती हैं और रिटेलिंग एरिया होते हैं। गांव में हालांकि मंडी बहुत कम देखने को मिलती हैं, फिर भी मतलब आप कह सकते हो जैसे हाट वाट लगती है तो वहाँ पर क्या होता है, खेतों से जो सामान है सीधा हाट में आ जाता है और हाट से फिर मतलब लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। और रिटेलिंग एरिया, रिटेलिंग मैंने बताई थी, जैसे ये दुकान है इसको हम बोलेंगे रिटेल, ये दुकानदार कौन है, रिटेलर है, यहाँ पर आप छोटी मोटी सारी चीज़ें खरीद सकते हो, राइट। तो दीज सेंटर्स प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डिमांडेड बाई दी रूरल पीपल। यहाँ पर वही सर्विसेज मिलेंगी जो गाँव के लोग डिमांड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गाँव में आपको पता है पर कैपिटा इनकम जो होती है सिटी की तुलना में कम होती है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो होते हैं, तो यहाँ पर सर्विसेज वैसे ही मिलती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज भी नॉर्मल मिलते हैं। अब यहाँ पे आप मतलब कहो कि यार हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान चाहिए, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे लोगों की जो नीड है, पर कैपिटा इनकम है, यहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर है, उसी के हिसाब से सामान मिलता है। एक है पीरियोडिक मार्केट, गांव में भी आपने देखा होगा पीरियोडिक मार्केट जिसको हम हाट बोलते हैं, ठीक है। हाट आपने देखी होगी, शहरों में भी हाट लगती है, गांव में भी हाट लगती है। हाट आपको पता होगा वीकली लगती है या मतलब किसी एक फिक्स डेट को लगेगी महीने में। तो पीरियोडिक मार्केट कौन से होते हैं, जो हाट होती हैं उन्हीं को हम पीरियोडिक मार्केट बोलते हैं। पीरियोडिक का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद चीज़ें अगर होती हैं तो उसको हम पीरियोडिक बोलते हैं। जैसे पीरियोडिक मार्केट्स इन रूरल एरियाज आर फाउंड वेयर देर आर नो रेगुलर मार्केट। पीरियोडिक मार्केट कहाँ लगाए जाते हैं, जहाँ पर रेगुलर मार्केट नहीं होता वहाँ पर पीरियोडिक मार्केट लगाए जाते हैं। इन मार्केट को अलग अलग टाइम इंटरवल में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये वीकली भी हो सकते हैं, बाई वीकली भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आसपास के लोग सामान परचेज करने के लिए आते हैं, जो भी उनको सामान चाहिए। तो हाट के बारे में आपने देखा होगा, हाट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सस्ती रेट में मिल जाती हैं चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट नहीं होती हैं। हाट में आपने देखा होगा नीचे ऐसे जमीन में लोग अपने मतलब सामान रख के मतलब बैठ जाते हैं और लोग आते हैं और यहीं से सामान खरीद लें। तो बिल्कुल बेसिक सर्विसेज यहाँ पर मिलती हैं, ऐसी सब्जियाँ मिल जाती हैं। तो बेचारे जो गाँव के मतलब जो मतलब अपना जस्ट एक डेली वेज अर्नर होते हैं और जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है, तो वो यहाँ से सामान परचेज कर लेते हैं, सस्ती चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं तो काम भी चल जाता है, ठीक है। तो ये वीकली मार्केट होते हैं, ये सप्ते में एक दिन लग सकते हैं, कोई सा भी दिन फिक्स हो सकता है। अलग अलग गाँव में अलग अलग आपने देखा होगा आजकल हाट लगती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो दुकानदार होते हैं तो वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे करके मतलब मूव करते रहते हैं और उनका भी रोजी रोटी इससे चलती रहती है। तो दीज मार्केट्स आर शेड्यूल्ड फॉर स्पेसिफिक डेट्स एंड मूव फ्रॉम एरिया टू एरिया। ये जो मार्केट होते हैं फिक्स डेट में लगते हैं या फिक्स डे पर लगते हैं और फिर ये मूव भी करते रहते हैं। दुकानदार जो होते हैं वो पूरी साल बिजी रहते हैं और ऐसे करके मूवमेंट करते रहते हैं एक जगह से। अर्बन ट्रेडिंग सेंटर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अर्बन ट्रेडिंग सेंटर क्या होते हैं। अर्बन नाम से ही पता चल रहा है, शहरों में जो मतलब मार्केट होते हैं उनको हम बोलेंगे अर्बन ट्रेडिंग सेंटर,
इनका रूपरेखा नक्शा कदम बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ पे जो आपको फैसिलिटीज मिलेंगी गांव से बिल्कुल डिफरेंट मिलती हैं, ठीक है। तो अर्बन ट्रेडिंग सेंटर में आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि हर जगह पर आपको मॉल ही मॉल मिलेंगे, कि शहरों के लोग हमेशा मॉल से सामान परचेज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अर्बन ट्रेडिंग सेंटर का नज़ारा है, ये मॉल्स हैं, मॉल में आपको देखने को मिलेगा मतलब बहुत सारे, मतलब एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, ऐसे करके कई सारे फ्लोर्स होते हैं। अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग दुकानें होती हैं, अलग अलग आइटम्स मिलते हैं। इवन यहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी, आपको मनोरंजन के साधन भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इवन आप मूवीज भी देख सकते हो, थिएटर्स भी यहाँ पर होते हैं ना, ठीक है। बच्चों के खेलने कूदने का जुगाड़ होता है, इवन सब्जी भी ला सकते हो मॉल में से आप, ठीक है। तो ये अर्बन ट्रेडिंग सेंटर है, और ज़रूरी नहीं है ऐसा ही मतलब ट्रेडिंग सेंटर होते हैं, नॉर्मल शॉप्स भी मिलती हैं, गली मोहल्ले जो होते हैं वहाँ पर भी शॉप्स मिलती हैं। तो अर्बन ट्रेडिंग सेंटर गांव से कैसे डिफरेंट है, यहाँ क्या चीज़ देखने को मिलेंगी? पहली बात तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सर्विस देखने को मिलेंगी, जिनको हम अर्बन सर्विस कहते हैं। जो सर्विस आपको विलेज में नहीं मिल सकती, जो सर्विस आपको रूरल एरियाज में नहीं मिल सकती, वो यहाँ पर मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे हैं जो गांव में नहीं है। हॉस्पिटल्स में आपको अलग अलग तरह की सर्विसेज देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बड़े बड़े कॉलेजेज होते हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, नॉर्मल कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है जहाँ पर लोग हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े मार्केट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर शोरूम्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप बड़े बड़े सामान परचेज कर सकते हो, बड़ी बड़ी मशीनरी परचेज कर सकते हो, व्हीकल्स परचेज कर सकते हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर परचेज कर सकते हो। जो चीजें गांव में नहीं मिलेंगी वो चीज यहां पे मिल जाएंगी। यहां पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम देखने को मिलेगा, यहां पे आपको प्रोफेशनल सर्विस आपको देखने को मिलेगी। प्रोफेशनल सर्विस का मतलब है यहां पे जैसे बड़े बड़े टीचर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट, फिजिशियंस, डेंटिस्ट, वेटरिनरी डॉक्टर्स, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब यहां पे जो है ना, अलग डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो एजुकेशनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, ठीक है। ज्यादा स्पेशलाइज होते हैं यहाँ पे, ऑर्डिनरी के साथ साथ स्पेशलाइज गुड्स एंड सर्विसेज भी देखने को मिल जाएंगे, है ना। मतलब नॉर्मल चीजें भी मिल जाएंगी, नॉर्मल सर्विस भी मिल जाएंगी, और स्पेशल सर्विस भी मिल जाएंगी, ठीक है। आप चाहो तो 50 रुपए की थाली भी मिल जाएगी यहाँ पे, मतलब एक मतलब ढाबे में भी खाना खा सकते हो, आप चाहो तो होटल में भी जाके खाना खा सकते हो, 2000, 4000, 10000 जितना भी खर्च करना चाहो, हर तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और राजस्थान में तो आपको पता है इंदिरा रसोई योजना चल रही है, 8 रुपए में भी थाली आपको मिल जाएगी, राइट है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी मिल जाएंगे, और स्पेशलाइज मार्केट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मतलब है जो इंडस्ट्रीज में बन के आ रहे हैं वो गुड्स भी मिल जाएंगे, और स्पेशल मार्केट, स्पेशल मार्केट मतलब शहरों में आप देखो मार्केट अलग अलग जगह पर अलग अलग मार्केट होते हैं। किसी जगह पर ज्वेलरी का मार्केट होगा, किसी जगह पर व्हीकल्स की सर्विस का मार्केट होगा, किसी जगह पर फल फ्रूट मिल जाएंगे आपको, सब्जियाँ मिल जाएंगी, ठीक है, वो मार्केट एक अलग मार्केट देखने को मिल जाएगा। किसी जगह पर आपको बुक्स का मार्केट मिल जाएगा, किसी जगह पर कपड़ों का मार्केट मिल जाएगा, किसी जगह पर बर्तनों का मार्केट मिल जाएगा, किसी जगह इलेक्ट्रॉनिक वाला मार्केट मिल जाएगा। तो मतलब ऐसे करके मार्केट अलग अलग होते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड मार्केट भी यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, और अलग अलग सर्विसेज भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हुए हमारे अर्बन ट्रेडिंग सेंटर। तो रूरल और अर्बन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको देखना है, इनको अच्छी तरह से कवर कर लेना है, ठीक है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब लकी एजुकेशन। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग के बारे में। ये जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 6 टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में दे रखा है। हम देख रहे हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी बुक अपनी चल रही है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो शुरुआत करते हैं रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग। देखो रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग से जानने से पहले एक चीज़ समझ लो कि इनका मतलब क्या है, है ना। पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। देखो कोई भी चीज़ जहाँ पर तैयार की जाती है उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री या मतलब इंडस्ट्री, और प्रोड्यूस करने वाले को बोलते हैं मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं जो बल्क में सामान खरीदते हैं, बल्क का मतलब लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, उनको हम बोलते हैं होलसेलर। होलसेलर के बारे में ध्यान रखना, लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। फिर इन होलसेलर से कुछ लोग होते हैं, कुछ मतलब बिजनेसमैन ऐसे होते हैं या मतलब लोग ऐसे होते हैं जो कम क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं और उसको डायरेक्टली किसको बेचते हैं, कंज्यूमर को बेचते हैं, उनको हम बोलते हैं रिटेलर। तो ट्रेडिंग मतलब व्यापार, हमारा दो तरह से ट्रेडिंग होती है, एक तो रिटेल ट्रेडिंग, एक होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल में आप ध्यान रखना मेन वर्ड बल्क में सामान परचेज किया जाता है, जबकि अगर रिटेल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर क्वांटिटी कम रहती है, और रिटेल ट्रेडिंग में डायरेक्टली किसको बेचा जाता है सामान, कंज्यूमर को बेचा जाता है। तो रिटेल ट्रेडिंग की बात करें तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन क्या है, दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द
सेलिंग ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, यहाँ पर जो सामान है डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचा जाता है। तो रिटेल ट्रेडिंग, यहाँ पे दो पिक्स देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं। एक तो रिटेल ट्रेडिंग डायरेक्टली जो दुकान होती है फिक्स जगह पे स्टोर, मतलब जो रिटेल स्टोर होते हैं जिसको हम जनरल स्टोर बोलते हैं, यहाँ पर होती है। एक सामान को जगह जगह पर ले जाया जाता है, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, जैसे रिक्शे के माध्यम से ले जा सकते हैं, ट्रक के माध्यम से ले जा सकते हैं, और ऐसे डकेल जो है ये दिखा रखी है इनके माध्यम से ले जा सकते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं नॉन स्टोर ट्रेडिंग। तो रिटेल ट्रेडिंग के दो टाइप, फिक्स्ड स्टोर रिटेल ट्रेडिंग, फिक्स्ड मतलब दुकान फिक्स होती है, दूसरा होता है नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग या नॉन फिक्स्ड स्टोर के नाम से भी जानते हैं। तो फिक्स्ड स्टोर में फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, स्टोर होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट मतलब यहाँ पे दुकान की बात की जा रही है, जगह फिक्स होती है और ये जो बनाई जाती हैं जगह सिर्फ बेचने के पर्पज से बनाई जाती हैं। जबकि नॉन स्टोर या रिटेल ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जगह फिक्स नहीं होती, जो बेचने वाले होते हैं वो किसी ना किसी चीज़ के माध्यम से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और कंज्यूमर्स को बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रीट पेडलिंग, हैंड कार्ट्स, ट्रक, डोर टू डोर, मेल ऑर्डर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, इंटरनेट, इन सब चीज़ों के माध्यम से सामान को बेचा जाता है। दूसरा है होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो व्यापार किया जा रहा है वो किस में किया जा रहा है, बल्क में व्यापार किया जा रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक बल्क बिजनेस है, ये किया जाता है इंटरमीडियरी मर्चेंट्स और सप्लाई हाउसेस के अलावा, इसमें रिटेल नहीं आते हैं ना। तो मतलब जैसे सपोज ये कोई प्रोड्यूसर है मान लो, और यहाँ पे कोई बल्क में सामान कर परचेज करने वाला है, तो इनके बीच में भी कुछ होते हैं बिचौलिया, जिनको हम बोलते हैं इंटरमीडियरी मर्चेंट्स या सप्लाई हाउसेस बोलते हैं। कई बार ये जो बल्क में खरीदने वाले ये डायरेक्टली भी खरीद लेते हैं ना, तो सम लार्ज स्टोर एंड चैन स्टोर आर एबल टू बाई डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। कई बार तो कुछ बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं, चैन स्टोर होते हैं, ये डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है, बनाने वाला, सामान के बनाने वाला है, उससे डायरेक्टली भी परचेज कर लेते हैं ना। मोस्ट रिटेल स्टोर ओपटेन देयर सप्लाई फ्रॉम इंटरमीडिएट सोर्सेस। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ये होलसेलर हो गया, ये रिटेलर हो गया, इनके बीच में भी मतलब कुछ सोर्सेस होते हैं, तो जो रिटेल वाले होते हैं इनसे, बीच वाले जो लोग होते हैं इनसे भी ले लेते हैं, और कई बार डायरेक्टली भी परचेज कर लेते हैं होलसेल से। तो होलसेल, अच्छा एक खासियत और है, ये मान लो होलसेलर है और यहाँ रिटेलर है, रिटेलर के पास सपोज पैसा नहीं है, तो होलसेलर इनको बोलते हैं कि यार तुम सामान ले जाओ, बेचो और बाद में दे देना, मतलब एक क्रेडिट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो होलसेलर एक्सटेंड क्रेडिट टू रिटेलर्स टू सच एन एक्सटेंड दैट रिटेलर ऑपरेट मेनली ऑन होलसेलर्स कैपिटल। कई बार तो ऐसी सिचुएशन होती है कि सपोज होलसेलर ने सामान दे दिया किसको, रिटेलर को, 10,000 रुपये का सामान दे दिया, तो रिटेलर ने वो 10,000 सामान बेचा और बेच के तब जाके पैसा मतलब इसको चुका रहे हैं और अपना प्रॉफिट अपने पास रख लिया। तो ऐसी सिचुएशन भी कई बार देखने को मिलती है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन, और आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट जो टॉपिक है ये आपका दे रखा है क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। ध्यान रखना ट्रांसपोर्ट भी आपकी कैसी एक्टिविटी है, टर्शियरी एक्टिविटीज है, राइट। टर्शियरी एक्टिविटीज में आपको पता है ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जिनको हम मतलब टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल मतलब कहते हैं जिनको, है ना। टर्शियरी में ट्रांसपोर्ट भी टर्शियरी एक्टिविटीज का ही टाइप है। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे, बहुत सिंपल है। ट्रांसपोर्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक अलग से चैप्टर दे रखा है इंडिया वाली बुक में भी, वर्ल्ड वाली बुक में भी। और तो ट्रांसपोर्ट का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। अब किस चीज़ को पहुँचा रहे हो, तो आप लोगों को पहुंचा सकते हो, आप मटेरियल को पहुंचा सकते हो, आप मैन्युफैक्चर्ड जो गुड होता है उसको भी एक जगह से, जगह मान लो जैसे यहाँ पे जयपुर है, जयपुर से अगर मान लो कोई सामान कहाँ पहुंचाना है आपको, दिल्ली पहुंचाना है, ठीक है। तो जयपुर से दिल्ली आप लोगों को भी पहुंचा सकते हो, मटेरियल को भी पहुंचा सकते हो, जो कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हुई है तो मैन्युफैक्चर्ड गुड है उनको भी एक जगह से दूसरी जगह आप पहुंचा सकते हो। ये सिंपल सा मतलब होता है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, किसी भी चीज़ को। इवन यार आपने अपनी बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, अपनी बायोलॉजी में भी अपने बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, जैसे अपना जो ब्लड होता है वो क्या करता है, अपने बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जैसे खाने को ले जाता है, गैसेस को ले जाता है, वेस्टेज को ले जाता है, राइट। तो ऐसे करके आप लिंक कर लो, ठीक है। तो अपनी बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एंड आपको पता भी है ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, उसमें दे भी रखा है ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क है हमारा उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं ना, आर्टरीज, ओके। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प्स इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स बाय प्रोवाइडिंग एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टू द मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी को ट्रांसपोर्ट जो है एक प्रकार से, मतलब मॉडर्न सोसाइटी जो है अपनी, उसको ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है एक प्रकार से सर्विस प्रोवाइड कराता है, इसकी हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन करने में, हेल्प कर रहा है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने में, हेल्प कर रहा है कंजप्शन में, हेल्प कर रहा है गुड्स के में, हर चीज़ में हेल्प कर रहा है कौन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है।
ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझो बहुत सिंपल भी है। फिर अगेन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज जयपुर से आपको मैं एग्जैक्ट डेटा ही बताता हूँ, चलो यहाँ पे मान लो एक जगह है भरतपुर, कौन सी जगह है भरतपुर, और भरतपुर से आपको जाना है जयपुर, भरतपुर से कहाँ जाना है आपको, भरतपुर से जयपुर जाना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस। तो इसको मेजर करने के तीन तरीके हैं, नंबर एक है किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब आपको पता है भरतपुर से जयपुर लगभग ये है 175 किलोमीटर, तो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को एक तरीका मेजर करने का क्या है, वो है किलोमीटर डिस्टेंस। तो इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रूट लेंथ मेजर्ड इन किलोमीटर और माइल्स। तो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को पहला तरीका क्या है, किलोमीटर डिस्टेंस में मेजर करना। तो भरतपुर से जयपुर के बीच में अगर हम ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को मेजर करें किलोमीटर में तो कितनी है 175। दूसरा तरीका क्या है, मान लो भरतपुर से जयपुर पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं, 3 आवर लगते हैं, तो ये दूसरा तरीका हो गया ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को मेजर करने का आवर में, है ना। तो क्या हो गया, टाइम टेकन टू ट्रेवल ऑन ए पर्टिकुलर रूट। तीसरा, अब सपोज आप बस से जा रहे हो तो यहाँ पर आपको 200 रुपये पे करने पड़ रहे हैं भरतपुर से जयपुर, तो ये कॉस्ट डिस्टेंस हो गई। तो किसी भी रूट की, किसी भी ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस जो है उसको तीन तरीके से मेजर करते हैं, नंबर एक डिस्टेंस के रूप में, किलोमीटर डिस्टेंस के रूप में, नंबर दो टाइम के रूप में, और नंबर तीन कॉस्ट के रूप में। बहुत सिंपल है यार, है ना। तो इट इज़ द कॉस्ट ऑफ और एक्सपेंस ऑफ ट्रेवलिंग ऑन ए रूट। अगला है आइसोक्रोन लाइंस। आइसोक्रोन लाइंस मैप पे बनी होती हैं, ये क्या करती हैं, ऐसे प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं, मान लो ये दो प्लेस हैं, ऐसे प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं जहाँ पहुँचने में इक्वल टाइम लगता है ना। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोक्रोन लाइंस। तो आइसोक्रोन लाइंस आर ड्रोन ऑन द मैप टू ज्वाइन प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन टू रीच देम, मतलब ऐसे प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं ये लाइन जहाँ पहुँचने में बराबर समय लगता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करता है नंबर एक डिमांड। डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड का सीधा सीधा संबंध है आपकी पॉपुलेशन से, ठीक है। पॉपुलेशन से क्या मतलब है, अगर किसी जगह की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर किसी जगह की पॉपुलेशन कम है तो ट्रांसपोर्ट की डिमांड कम होगी। तो द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और द बिगर द साइज ऑफ पॉपुलेशन हायर इज द ट्रांसपोर्ट डिमांड, ठीक है। तो जिस देश में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ ट्रांसपोर्ट की डिमांड ज़्यादा होती है। दूसरा है रूट, रूट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। रूट जो है ये भी कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ सिटीज, टाउन, विलेज, इंडस्ट्रियल सेंटर एंड रॉ मटेरियल, ठीक है। तो अगर आपको देखो शहर जो हैं, टाउन हैं, विलेज हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर हैं, रॉ मटेरियल है, यहाँ पर रूट अलग होता है, ज़्यादा बिजी रूट होता है ना। गाँव में रूट कम बिजी मिलेगा, शहरों में रूट ज़्यादा बिजी मिलेगा, है ना। इंडस्ट्रीज के आसपास रूट ज़्यादा बिजी मिलता है। पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन दैम, ट्रेड किस टाइप का हो रहा है, अगर किसी जगह पर ट्रेड ज़्यादा है तो वहाँ ट्रांसपोर्ट की नीड ज़्यादा होगी, ट्रेड कम है तो ट्रांसपोर्ट की नीड कम होगी। नेचर ऑफ द लैंडस्केप बिटवीन दैम, दो जगह के बीच में जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ थोड़ा सा स्लो जाती हैं चीज़ें, कम लोग ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं। अगर रूट प्लेन है तो वहाँ से लोग ज़्यादा जाते हैं। टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट किस टाइप का, इस पर भी रूट डिपेंड करता है। हिमालय वाले रीजन में कई जगह तो आपने देखा होगा बर्फ़ जम जाती है, और बर्फ़ जम जाती है तो वह आना जाना बंद हो जाता है ना। फंड्स अवेलेबल फॉर द ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स अलोंग द लेंथ ऑफ द रूट, रूट में जो समस्या है उसको निपटारा करने के लिए क्या फंड्स अवेलेबल नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है आपका ट्रांसपोर्ट। अगला है नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी। नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है, तो जैसे जैसे आप देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होता है तो बहुत सारे जगह आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं ना। जैसे मान लो ये एक जगह हुई, दूसरी जगह हुई, तीसरी जगह हुई, चौथी, पांचवी, छठवी, है ना। ये आपस में जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होता जाता है तो ये जगह आपस में क्या होती चली जाती हैं, इंटरकनेक्ट होती चली जाती हैं, है ना। इसी चीज़ को हम बोलते हैं नेटवर्क। और ये नेटवर्क में आपको देखो बहुत सारे नोड्स, नेटवर्क जो होता है नोड्स और लिंक से बना होता है ना। जैसे जैसे कोई भी एरिया डेवलप होता है तो वह ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा तो ये उस एरिया के सारे जगहों को या मोस्ट इंपॉर्टेंट जगहों को क्या कर देगा, कनेक्ट। जब ये सारी जगह कनेक्ट हो जाती हैं तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है और एक नेटवर्क डेवलप हो जाता है। ये नेटवर्क दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, नोड और लिंक। अब हम समझते हैं नोड और लिंक में क्या अंतर है, बिल्कुल सिंपल से समझना आप, है ना। सपोज ये एक जगह है, है ना, और ये एक जगह है, राइट। ये जगह है ए और ये जगह है बी, ठीक है। इस बी जगह पर एक रोड ऐसे आ रहा है, दूसरा रोड यूँ आ रहा है, तीसरा रोड यूँ आ रहा है, चौथा रोड यूँ आ रहा है, पांचवा रोड यूँ आ रहा है, ठीक है। आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं ना, आ भी ये इधर जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, ऐसे एक जगह हो गई, ठीक है, बी वाली जगह। तो आप देखो बी वाली जगह पर कई सारे रोड कन्वर्ज हो रहे हैं। सिमिलरली ए पर भी एक ऐसे कोई आ रहा है रूट, दूसरा इधर से आ रहा है, तीसरा इधर से आ रहा है, चौथा इधर से आ रहा है ना। तो सपोज ये जगह है,
ये बी जगह है। तो आपको देखो ये जगह पे क्या हो रहा है, तीन चार रूट आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ दो या दो से ज़्यादा रूट एक जगह पे आके मिल जाते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं नोड, है ना। और ये भी क्या हो गया, नोड। तो ए एंड बी क्या हो गए, नोड हो गए हमारे, क्या हो गए, नोड, जहाँ पे कई सारे रूट कन्वर्ज हो रहे हैं। और दो नोड को कनेक्ट करने वाला जो रोड होता है इसको हम बोलते हैं लिंक, क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी रोड जो दो नोड को कनेक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, लिंक बोलेंगे। ऐसे आप पेपर में करके भी दिखा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, है ना। तो देखो नोड क्या होता है, नोड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रूट्स, ए पॉइंट ऑफ ओरिजिन और ए पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन और ए बिग टाउन अलोंग ए रूट, ठीक है। तो आप मान लो कोई शहर है, जैसे मान लो ये जयपुर शहर है, तो जयपुर शहर में रोड आपको पता है इधर से आ रहा, 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 भैया लाइन लगा कर रोड पर रोड आ रहे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो शहर होते हैं अपने आप में किसकी तरह काम करते हैं, नोड की तरह काम करते हैं। यहाँ मान लो आपका सपोज दिल्ली है, ऐसे ही दिल्ली में भी बहुत सारे, तो दिल्ली और जयपुर को जोड़ने वाला जो रोड हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, लिंक बोल देंगे भाई साहब, क्या बोल देंगे, लिंक बोल देंगे, अंडरस्टूड। तो लिंक क्या है, एवरी रोड दैट जॉइंस टू नोड्स, दो नोड को ज्वाइन करने वाले रोड को हम क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा ट्रांसपोर्ट के बारे में सारी जानकारी, ऐसे ही जो रिमेनिंग वीडियोज हैं वो भी आ जाएंगे, और ये बुक हमारी बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट वीडियोज इसके अवेलेबल हैं आपके लिए, है ना। सो थैंक यू सो मच। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन वाला टॉपिक, और ये जो है आपका टॉपिक चैप्टर नंबर 6 टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में दे रखा है, और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, कम्युनिकेशन को हम देखेंगे सर्विस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। हालांकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आप चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पर यहाँ पर हम सर्विस के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन भी भाई एक सर्विस है आपकी, है ना। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कम्युनिकेशन भी सर्विस है और जिसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फिर समझते हैं एक बार कम्युनिकेशन को। तो कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अपनी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, या अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूड ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो कम्युनिकेशन की जो सर्विस होती है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें होती हैं आपके वर्ड्स, मैसेज और फैक्ट और आइडियाज, इनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। खासकर अब देखो इसमें थोड़ी शुरुआत से बात की गई है, जब से राइटिंग का इन्वेंशन हुआ है, जब से हमने लिखने की शुरुआत करी है, तो समझ लो क्रांति आ गई। पहले जब लिखाई विखाई नहीं करते थे हम, पहले हम जब किताबें हमारे पास नहीं थी तो बड़ा डिफिकल्ट मामला हुआ करता था, मगर जब से लिखना स्टार्ट किया है तो हमने प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया मैसेज को। प्रिजर्व करने का मतलब क्या है, उसको फ्यूचर में सुरक्षित कर सकते हैं। अब जी आपने, मैंने आप जो वीडियो देख रहे हो यहाँ पे, जो मटेरियल लिखा हुआ है ये लिखित में अभी हमेशा पढ़ा रहेगा, यूट्यूब पे पढ़ा रहेगा, किताबों में चीज़ें पढ़ी रहती हैं, आपको पता है ना। तो जब से लिखने की शुरुआत करिए तब से हम अपने मैसेजेज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, बोल के किसी चीज़ को कह रहे तो वो चीज़ें वहीं तक सीमित रहेगी, बाद में गायब, राइट। अच्छा, मैसेजेज वर कैरिड बाई हैंड, एनिमल्स, बोट, रोड, रेल, एयर। आज की डेट में आप देखो मैसेजेज को कैसे कैसे ले जा सकते हैं, हाथों से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं ना, जो आपने पोस्टमैन देखे होंगे, एनिमल्स जानवरों के माध्यम से बैठ के उन पर जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या पक्षियों का भी पहले इस्तेमाल करते थे बर्ड्स का, बोट के माध्यम से, रोड के माध्यम से, रेल के माध्यम से, हवा के माध्यम से मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट को मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं ना अपने, जो मतलब मैसेज जो होते हैं पोस्ट, जो पोस्ट हम करते हैं, तो पोस्ट किससे जाती है, या तो रोड से जाती है, रेल से जाती है, एयर से जाती है ना, तो अलग अलग तरीके से पोस्ट के थ्रू हम मैसेज को भेज सकते हैं। ड्यू टू दिस रीजन ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो नोन एज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो पहले के टाइम पर क्या होता था, जो ट्रांसपोर्ट के जो हमारे मीडियम हुआ करते थे, जैसे रोड, रेल, है ना, वही किसका मीडियम हुआ करते थे, कम्युनिकेशन का मीडियम हुआ करते थे। मगर आपको पता है अब टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं, इनोवेशन मतलब अब टेक्नोलॉजी में बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं, जैसे मोबाइल टेलीफोन हो गई, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कम्युनिकेशन जो है आज की डेट में पहले की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, और अब ये ट्रांसपोर्ट से इंडिपेंडेंट है। अब हमें मतलब रोड, रेल और इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन करने के लिए अब इंटरनेट आप आ गया है, आप बैठे बैठे एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेजेज को भेज सकते हैं। मगर पहले क्या होता, ट्रांसपोर्ट के मीन्स का भी हम इस्तेमाल करते थे अपने मैसेजेस को कम्युनिकेट करने के लिए। स्टिल ऑल ओल्ड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम हैव बीन नॉट फुली डीलिंक्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट बिकॉज ऑफ देयर चीपनेस। दिस इज द रीजन दैट इवन टुडे वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ द मेल कंटिन्यू टू बी हैंडल्ड बाई पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज भी ये कह रहे हैं कि आज भी जो है आपका जो पुराने सिस्टम है वो अभी भी हमारा
काम कर रहे हैं, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। आज भी आप देखो पोस्ट ऑफिस से जो है मेल पूरी दुनिया भर में भेजे जाते हैं, और इनको हम पोस्ट ऑफिस से जो माल जा रहा है हमारा, जो मतलब मैसेजेज जा रहे हैं, वो किसके माध्यम से जाते हैं? रोड के माध्यम से, रेल के माध्यम से, एयरवेज के माध्यम से। तो आज भी ट्रांसपोर्ट के मीन्स का हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, ये चीज़ आप ध्यान रखना। व्हेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर एफिशिएंट, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आर इजीली सर्कुलेटेड, है ना। अगर आपको मेल भेजना है, लेटर भेजने हैं, ना पोस्ट ऑफिस से भेजना है, तो ये पोस्ट ऑफिस वाला कम्युनिकेशन कब ज़्यादा बढ़िया रहता है? जब ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम बहुत अच्छा रहता है ना। अब हम देखेंगे टेली कम्युनिकेशन। तो आजकल एक और नया सिस्टम आ गया कम्युनिकेशन में, दैट इज टेली कम्युनिकेशन। तो टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपनी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं, और वो भी बहुत तेज गति से, है ना। तो इट इज़ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विच इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो टेली कम्युनिकेशन क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी से संबंधित है, बहुत फास्टेस्ट तरीके से मैसेजेज को भेजते हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? इसमें हम सैटेलाइट का इस्तेमाल कर देंगे, सैटेलाइट का इस्तेमाल करके, मोबाइल का इस्तेमाल करके, और फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम मैसेजेज को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन के फीचर क्या है? पहली बात तो टेली कम्युनिकेशन ने भैया कम्युनिकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। रेवोल्यूशनाइज का मतलब एकदम क्रांति ला दी है। आज जो आप स्पीड देख रहे हो ना, मैसेजेस जिस स्पीड से भेजे जाते हैं, ऐसे शायद कभी नहीं भेजे जाते होंगे। आज आप बैठे बैठे यहां से, इंडिया से बैठे बैठे, दुनिया के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति बैठा हो, एक सेकंड में अपना मैसेज भेज सकते हैं। कितना फास्ट हो गया, नहीं पहले मैसेज भेजने में महीने लग जाते थे, महीने, है ना। इससे समय की बचत होती है ना। जो काम पहले वीक्स में होता था, वो काम मिनटों में हो रहा है मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से। तो ये तो एक और एडवांस मोड है कम्युनिकेशन का, जहाँ पर डायरेक्ट और इंस्टेंटेनियस एट एनी टाइम फ्रॉम एनी वेयर। तो मोबाइल टेलीफोनी में क्या है? आप डायरेक्ट किसी को भी कभी भी इंस्टेंटली, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत, किसी भी समय किसी भी जगह से आप कम्युनिकेट कर सकते हो डायरेक्टली दूसरे व्यक्ति तक। एक है मास मीडिया, नाम सुना होगा आपने मास मीडिया। मास मीडिया देखो वही, जब हम कम्युनिकेशन का पर्पज बहुत सारे लोगों को एक साथ अब बताने के लिए करें, तो उसको हम बोलते हैं मास मीडिया। ठीक है, तो मास मीडिया में ऐसे मीडियम आते हैं जहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन को लार्जर ग्रुप ऑफ दी पॉपुलेशन तक मतलब पहुँचाया जाता है। जैसे सुबह सुबह आप टीवी देखते हो, तो टीवी में क्या हो रहा है? कोई भी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग उसको एक साथ देख रहे हैं, तो टीवी क्या हो गया? एक मास मीडिया हो गया, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाया जाता है, तो वो कहलाती है हमारी मास मीडिया, टीवी, इंटरनेट, रेडियो, है ना। तो वैसे अगर डेफिनेशन अगर कोई पूछे, तो मास मीडिया इज द मीडिया दैट इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग टू द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जब हम बहुत लंबे ग्रुप को, बहुत सारे ज़्यादा लोगों को जब हम किसी चीज़ को पहुंचा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मास मीडिया। तो मास मीडिया का एग्जांपल टीवी, फिल्म्स, रेडियो, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, मैगजीन्स, डीवीडी, गेम्स, ये सब मास मीडिया के मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे बुक में ये वाला टॉपिक दे रखा है मास मीडिया का। तो मास मीडिया एक नया रिवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, इसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट और एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। एग्जाम्पल देखें मास मीडिया के, तो पहला है रेडियो और टीवी। ठीक है, तो दीज फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया हेल्प टू टेलीकास्ट और रिले न्यूज, पिक्चर्स, टेलीफोन कॉल्स टू लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड। तो टीवी और रेडियो के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? न्यूज को, पिक्चर्स को, टेलीफोन कॉल्स को बहुत सारे ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। न्यूज़पेपर की बात करें, तो न्यूज़पेपर में ध्यान रखना, न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज लेटर्स, ये प्रिंट मीडिया का एग्जाम्पल है ना, प्रिंट मीडिया के एग्जाम्पल है। और यहाँ पर न्यूज और इवेंट्स को कवर किया जाता है, पूरी दुनिया भर की न्यूज को। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में अर्थ और स्पेस के बीच में इन्फॉर्मेशन को रिले किया जाता है, अर्थ से सैटेलाइट और सैटेलाइट से वापस अर्थ पर। ठीक है, तो सैटेलाइट का इस्तेमाल करके आज आप जो मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, आज हम जो कॉल करते हैं, वो सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से हो पा रहा है। हम अर्थ से बैठे बैठे सैटेलाइट में, स्पेस में जो सैटेलाइट है उनका यूज करके एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं और बात करते हैं। इंटरनेट, इंटरनेट अब ये और नया मतलब मीडियम बन चुका है ना, पहले तो बात करते थे सैटेलाइट से, अब इंटरनेट के माध्यम से हम वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो टुडे ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल यूज इंटरनेट। आज की डेट में आजकल आप देखो कहीं भी चले आओ, हर व्यक्ति क्या कर रहा है? इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। अब वो पर्पज कुछ भी हो, चाहे अपने काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च के लिए, डिफेंस पर्पज के लिए, किसी भी पर्पज के लिए देख लो, आज हर व्यक्ति इंटरनेट से कनेक्टेड है और बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, इंटरनेट ने तो ग्लोबलाइजेशन को एकदम रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। ठीक है, तो आज हर कोई किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट। और भारत में तो 5G तक हम पहुंच गए, 5G सर्विसेज जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन भी एक सर्विस है, कम्युनिकेशन एज ए सर्विस हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हालांकि कम्युनिकेशन अलग से भी हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में डिस्कस किया था। सो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।
लकी एजुकेशन और आज हम देखेंगे सर्विसेज के बारे में। चैप्टर नंबर 6 टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज हम देख रहे हैं। क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। इसके कई सारे चैप्टर में ऑलरेडी करा चुका हूं, ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का और ये चैप्टर भी जो है ये लगभग खत्म होने की कगार पर है और बस अब इसको खत्म कर देंगे आज। तो आज हम देखेंगे सर्विसेज, कितने टाइप की सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज को डिस्कस करेंगे। अपने आसपास आपने देखा होगा और आपको ये भी पता है कि टर्शरी सेक्टर जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं। सर्विसेज वो होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल होती हैं, राइट। तो सर्विसेज का मतलब है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को सहायता प्रोवाइड करना, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस। जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप इसको पढ़ रहे हो, तो मैं भी एक प्रकार से क्या दे रहा हूँ, एक सर्विस दे रहा हूँ। तो टीचिंग भी अपने आप में क्या है, एक सर्विस है। टीचर क्या देता है, सर्विस देता है। आप इसको गेन कर रहे हो, मतलब आपकी हेल्प हो रही है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ अगर आपकी हेल्प कर रहा है या कोई भी चीज़ आपकी हेल्प कर रही है तो वो क्या होगी, एक प्रकार से सर्विस होगी। इसके अलावा जैसे आप फोन से बात करते हो तो ये भी आपकी एक हेल्प हो रही है। ऊपर से जैसे एक और एग्जांपल ले लो, आप रोड से जाते हो, एक कच्चे रास्ते से जाओ एक रोड से जाओ, तो कहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है, रोड वाला रास्ता जो पक्का है वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, तो वो भी एक प्रकार से सर्विस है। बैंक में आप जाओ, बैंक आपकी हेल्प करती है, तो ये भी अपने आप में क्या एक सर्विस है। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको मतलब चेक करता है और बताता है कि भाई ये समस्या है, वो भी क्या है, सर्विस है। तो सर्विस का मतलब है कोई भी अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर रहा है तो वो एक प्रकार से सर्विस हो गई। सर्विसेज इंडस्ट्री को भी दी जाती हैं और सर्विसेज लोगों को भी दी जाती हैं। सर्विसेज जैसे कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंडस्ट्री के लिए आपको रोड्स का नेटवर्क अच्छा चाहिए, इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे इंजीनियर्स चाहिए, इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे वर्कर्स चाहिए, तो इंडस्ट्री को भी दी जाती हैं सर्विसेज और लोगों को भी दी जाती हैं। और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्री लोग दोनों को ही दी जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की जरूरत लोगों को भी है और ट्रांसपोर्ट की जरूरत इंडस्ट्री को भी है। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स हु कैन अफोर्ड टू पे देम। सर्विसेज किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को भी दी जा सकती हैं जो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। अब सर्विस किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे अगर यार मार्केट में बहुत सारे मतलब मैं इंडिविजुअल हूँ, मुझे सर्विस चाहिए, ठीक है। अब किस टाइप की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बाइक खराब हो गई तो मैं एक बाइक को सही कराने जा सकता हूँ, वहाँ पर एक सर्विस हो सकती है, ठीक है। मैं बैंक में जा सकता हूँ, बैंक को भी, बैंक में भी मुझे सर्विस मिल सकती है, ठीक है। मोबाइल में चला रहा हूँ, मेरी इंडिविजुअल मोबाइल में भी मतलब मैं सर्विस ले सकता हूँ, ठीक है। तो सर्विस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, बट सर्विस के बदले में क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, राइट। कंज्यूमर्स नीड सर्विसेज ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल नेचर। सर्विसेज भी दो टाइप की यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एक तो फिजिकल और एक मेंटल, ठीक है। फिजिकल फॉर्म में मतलब जहाँ पे आपको मतलब काम ना करना पड़े, तो कोई दूसरा आपकी जगह पर आके काम कर दे, जैसे गार्डनर आपके गार्डन को संभाल ले, लाउंडरर कपड़े धो दे, बार्बर आपके बाल काट दे, ठीक है। मेंटल लेबर कौन सी होती है, जहाँ पर टीचर्स, लॉयर्स, फिजिशियंस, म्यूजिशियंस और ये लोग जो होते हैं ये मेंटल लेबर प्रोवाइड कराते हैं, आपको मेंटली मतलब चीज़ों को सिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये एक प्रकार की मेंटल लेबर हो गई, राइट। सर्विसेज को हम ब्रॉडली दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, लो ऑर्डर सर्विस और हाई ऑर्डर सर्विस। अब नाम से ही पता चला है, लो ऑर्डर सर्विस जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो स्किल्स की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, लो ऑर्डर सर्विस आ जाएंगे। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हो, जहाँ पे आपके पास बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं, वो वाली सर्विसेज होती हैं हाई ऑर्डर सर्विस। लो ऑर्डर सर्विस में आपकी ग्रोसरी शॉप, लाउंड्री, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं लो ऑर्डर की सर्विस है ना, और ये सर्विसेज कॉमन होती है, बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है ना। हाई ऑर्डर सर्विसेज की बात करें तो अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, फिजिशियंस है ना, ये सब किस में आ जाएंगी, हाई ऑर्डर सर्विस में आ जाएंगी। यहाँ पे लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, राइट, हाईली स्पेशलाइज लोग होते हैं, और ये कॉमन नहीं है। जैसे ऊपर वाली सर्विसेज कॉमन होती है, ये कॉमन नहीं होती है ना लो ऑर्डर सर्विस की तुलना में। और भी सर्विसेज का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, अपनी बुक में जो दे रखी है उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट एडेड सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जिनको भारत सरकार प्रोवाइड कराती है, इंडिया की अगर हम बात करें या स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एडेड सर्विसेज। अब गवर्नमेंट आपको देखो हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है, सरकारी हेल्थ है, हॉस्पिटल्स आपके लिए बना रखे हैं, ठीक है, और आपके लिए स्कूल सरकारी बना रखे हैं, कॉलेज सरकारी बना रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा सरकार सड़कें बनाती है, ब्रिज बनाती है, ठीक है। अभी रिसेंटली अटल सेतु ब्रिज बनाया गया, इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज अटल सेतु ब्रिज भारत में बनाया गया है। तो गवर्नमेंट एडेड सर्विसेज में क्या करेगा, दीज इंक्लूड मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज, ब्रिजेस, मेंटेनिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, सप्लाइंग और सुपरवाइजिंग एजुकेशन, कस्टमर केयर, ये सारी सर्विसेज इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। फायर फाइटिंग मतलब आग बुझाने से संबंधित कोई वो हो तो सरकार के कंट्रोल में आती है, हाईवे ब्रिज बनाना, ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन प्रोवाइड करना, कस्टमर केयर, तो ये सारी सर्विसेज सरकार प्रोवाइड कराती है। ऐसा नहीं है सरकारी प्रोवाइड कराती है, प्राइवेट भी प्रोवाइड कराती है अगर हम एजुकेशन की बात करें तो, राइट। और
ये सर्विसेज गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। दूसरी सर्विसेज हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ट्रांसपोर्ट, टेली कम्युनिकेशन, एनर्जी, वाटर सप्लाई, ये सब किस में आ जाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेशन हैं जो स्टैब्लिश किए गए स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इन सब चीज़ों की मार्केटिंग कर सके और उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एनर्जी सप्लाई, वाटर सप्लाई को कंट्रोल कर सकें। प्रोफेशनल सर्विसेज में आपकी हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, इससे संबंधित जो सर्विसेज हैं वो प्रोफेशनल सर्विसेज हो जाएंगी। इनको पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों प्रकार के लोग इसको प्रोवाइड कराते हैं। पब्लिक का मतलब है सरकारी। ठीक है, अगली ये सर्विसेज बेस्ड ऑन मार्केट। मार्केट कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो मार्केट के आधार पर होती हैं। पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पे, है ना, एक चीज़ आप देखो, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, किसी भी कंट्री में जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें एक एरिया ऐसा होता है जो बिल्कुल उसकी कॉमर्शियल हब होता है, बिल्कुल बिजनेस का सेंटर होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ये कॉमर्शियल एंड बिजनेस सेंटर ऑफ ए सिटी, किसी भी शहर का जो कॉमर्शियल और बिजनेस सेंटर होता है उसको हम CBD बोलते हैं। यहाँ पर आपको कॉमर्शियल जगह देखने को मिलेगी, कॉमर्शियल यहाँ पर ऑफिसेस होती हैं, है ना, और इसको हम फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं। ज्योग्राफिकली ये जो है इसको हम सिटी सेंटर या डाउनटाउन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सर्विसेज बेस्ड ऑन मार्केट। तो दीज इंक्लूड रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज। पहली बात तो मार्केट के आधार पर जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसमें रिक्रिएशनल और एंटरटेनमेंट सर्विस होती हैं, मतलब एंजॉय से संबंधित मतलब सर्विसेज होती हैं, है ना। देयर लोकेशन डिपेंड ऑन द मार्केट, इनकी जो लोकेशन है वो मार्केट के आधार पर डिपेंड करती है। मल्टीप्लेक्सेस रेस्टोरेंट फाइंड लोकेशन विद इन और नियर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्लास कंज्यूमर। जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, वो CBD के पास होते हैं। CBD मैंने अभी बताया था ना, शहर का फाइनेंशियल हब समझ लो। तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग होते हैं, रिच क्लास के लोग होते हैं, हाई क्लास के लोग होते हैं, तो यहाँ पर जब ये थक जाते होंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, इन सब जगहों पर जाते होंगे। फिर शहर से बाहर की तरफ गोल्फ कोर्स होता है ना, तो ये गोल्फ कोर्स वुड चूज टू ए साइट आउटसाइड द CBD ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वास्ट लैंड एरिया एज वेल एज लो कॉस्ट ऑफ लैंड एज टू CBD। अगर मान लो गोल्फ कोर्स बनाना है तो बिल्कुल शहर के बीच में, तो इनको बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि शहर के अंदर आपको पता है कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है जमीन की, इसलिए शहर से बाहर जाना पड़ता है, वहां कॉस्ट भी कम हो जाती है और जगह भी ज्यादा मिल जाती है, तो ऐसी एरिया बाहर मिलते हैं। कुछ सर्विसेज होती हैं पर्सनल सर्विसेज और डोमेस्टिक सर्विसेज जो पर्सन टू पर्सन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये वो सर्विसेज होती हैं आपकी जो डोमेस्टिक वर्कर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। पर्सनल सर्विसेज, ध्यान देना, पर्सनल सर्विसेज डोमेस्टिक वर्कर प्रोवाइड कराते हैं, घरों में जो काम करने वाले होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, और ये डेली लाइफ में हेल्प करते हैं, और इसमें गार्डनर्स, कुक्स, हाउसकीपर्स हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होना ज़रूरत नहीं है, आप कितना भी एजुकेशन हो कोई फर्क ना पड़ता, ये डोमेस्टिक सर्विस कोई भी प्रोवाइड करा देता है। यहाँ पर जनरली जो जॉब प्रोवाइड या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इसमें वो लोग होते हैं जो माइग्रेट करके आए गाँव से शहरों में, है ना, अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए जो शहरों में आए, वो लोग ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वर्कर होते हैं वो डोमेस्टिक सर्विसेज में एंगेज रहते हैं, और घर के जो भी काम होते हैं डेली वर्क उनको करते हैं, इसमें हाउसकीपर्स, कुक्स, गार्डनर्स ये हो सकते हैं, या अनऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई आपको मतलब फिक्स टाइम मतलब पे सैलरी मिल जाएगी और आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलेंगी, है ना, आपको मतलब अगर जॉब ना करने आओगे पैसा मिल जाएगा, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई फिक्स नहीं है। इसका एक एग्जांपल बढ़िया दे रखा है, मुंबई डब्बा वाला सर्विस। मुंबई में जो डब्बा वाला सर्विस है ये लगभग 1,75,000 कस्टमर्स को पर डे सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना, ये मुंबई डब्बा वाला, राइट। अब एक टॉपिक और इसमें, पीपल एंगेज इन टर्सरी एक्टिविटीज़। आपको पता है एक्टिविटीज़ 3 टाइप की होती हैं मेनली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसके अलावा क्वार्टरनरी और क्वेनरी होती है, वो भी टर्सरी का ही पार्ट है। तो टर्सरी एक्टिविटी में आप देखो आज की डेट में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एवरी सोसाइटी सर्व्ड बाई नंबर ऑफ सर्विसेज, दस पीपल आर एंगेजिंग मोर इन सर्विस सेक्टर डे बाई डे। प्रत्येक सोसाइटी, कोई सी भी सोसाइटी में चले जाओ आप, वहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आज आप देखो हर देश में हर जगह पर सर्विस सेक्टर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। ये सिचुएशन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में अलग अलग पाई जाती है। अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो ध्यान रखना डेवलप्ड कंट्री में जो लोग हैं मेनली सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जुड़े रहते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड लेस डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि लेस डेवलप्ड कंट्री में आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में लोग ज़्यादा जुड़े रहते हैं, है ना, जबकि डेवलप्ड कंट्री में कहाँ ज़्यादा जुड़े रहते हैं, टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा जुड़े रहते हैं।
टर्सरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा कभी हमने नहीं देखा जितना आप देख रहे हैं। आज की डेट में आप देखो सर्विस सेक्टर जो है या टर्सरी सेक्टर जो है, यहाँ पर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डे बाई डे ज्वाइन कर रहे हैं, मगर आज भी प्राइमरी सेकेंडरी में इसका रेशियो इतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि घट ही रहा है वहाँ पर। तो ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम डिस्कस करेंगे टूरिज्म के बारे में। ये जो टॉपिक है आपका क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 टर्सरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में दे रखा है। ठीक है, तो टूरिज्म के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। प्लस एक चीज़ और मैं बता दूं, एक टॉपिक जो आपका मेडिकल टूरिज्म है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के बारे में जानेंगे। टूरिज्म वर्ड आते ही आपके माइंड में जरूर ना कोई ऐसा सीन याद आया होगा जब आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर घूमने गए होंगे। ठीक है, तो जब हम एंटरटेनमेंट के पर्पज से घूमने जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टूरिज्म बोलते हैं। ठीक है, आप कहीं भी गए हो और कैसी भी जगह आपने घूमी हो तो ज़रूर आप आई एम श्योर अपने मम्मी पापा के साथ छुट्टियों में, स्पेशली विंटर वैकेशन हो या फिर समर वैकेशन हो, तब हम घूमने जाते हैं। और कई बार तो मौका बीच में भी मिल जाता है, कई बार स्कूल का ट्रिप भी जाता है, तो किसी ना किसी रूप में आप बचपन से अब तक कई बार आप घूमने गए होंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टूरिज्म बोलते हैं। तो वो सीन आप अपने माइंड में याद रखो और फिर देखो आपको याद करना भी बहुत आसान होगा, इस टॉपिक को समझना भी बहुत आसान होगा। टूरिज्म, तो टूरिज्म का सिंपल सा मतलब है ट्रैवल करना। टूरिज्म मींस ट्रैवल विच इज डन फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रिएशनल रादर देन बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ, टूरिज्म एक ट्रैवल है, लोग घूमने जाते हैं जिसका पर्पज रिक्रिएशनल पर्पज होता है। रिक्रिएशनल मतलब मनोरंजन के लिए, किसके लिए जाते हैं। अब यार सिंपल सी बात है, जब इंसान थक जाता है काम कर करके, परेशान हो जाता है एक ही काम कर करके, तो वो सोचता है यार चलो कुछ नया हो जाए, तो घूमने के पर्पज से जाते हैं, एंजॉय करने के पर्पज से जाते हैं, बिजनेस के पर्पज से नहीं जाते। कई बार ऐसा भी होता है लोग बिजनेस के पर्पज से किसी जगह पर जाते हैं तो सोचते हैं यार चलो अब यहाँ पर आए तो घूम के भी चलते हैं ना। तो घूमने का जो पर्पज होता है वो रिक्रिएशनल पर्पज होता है, मनोरंजन के पर्पज से जाते हैं। राइट, इट हैज इमर्ज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टर्सरी एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ टोटल रजिस्टर्ड जॉब्स एंड टोटल रेवेन्यू। टूरिज्म आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी टर्सरी एक्टिविटी बन चुकी है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड की जाती है, बहुत सारा इससे पैसा कमाया जाता है। राइट, अबाउट 40% ऑफ वर्ल्ड GDP इज जनरेटेड बाई दिस सेक्टर, प्रोवाइडिंग ओवर 250 मिलियन जॉब्स वर्ल्ड वाइड। मतलब दुनिया की अगर हम GDP का बात करें, वर्ल्ड की टोटल GDP में लगभग 40% कंट्रीब्यूशन है। कितनी बड़ी बात है, 40% कंट्रीब्यूशन अकेले किससे आ रहा है, टूरिज्म सेक्टर से आ रहा है। टूरिज्म आपने अभी सुना होगा, रिसेंटली मैं तो इसको वीडियो को बना रहा हूं, तो मालदीव वाला केस आपने सुना होगा। मालदीव में आप सोचो हर साल 2-3 लाख भारतीय मतलब घूमने जाते हैं। मालदीव की टोटल पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, मगर अभी इंडिया का और मालदीव का कुछ इश्यू चल रहा है, तो हम इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पीपल लक्षद्वीप को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो सोचो वो देश हालत ख़राब होगी उसकी अभी, है ना। तो मतलब टूरिज्म इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे देशों की इकोनॉमी तो सिर्फ और सिर्फ किससे चल रही है, टूरिज्म से चल रही है ना, उनकी रोजी रोटी इससे चल रही है। तो दुनिया की 40% GDP और 250 मिलियन जॉब अकेले कहाँ से पैदा हो रहे हैं, टूरिज्म से। 250 मिलियन का मतलब अगर करोड़ में मैं आपको बताऊं तो 25 करोड़ लोगों को जॉब मिल रही है टूरिज्म से। कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है 25 करोड़। राइट, मैनी लोकल पीपल आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक अकोमोडेशन, मील्स, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, स्पेशल शॉप्स टू सर्व द टूरिस्ट। आप कभी भी घूमने जाते हो तो आप अपना सीन याद करो, जब भी घूमने गए होंगे सबसे पहले वहाँ पर आप होटल्स मिलती हैं, तो वहाँ पर अकोमोडेशन की सुविधा मतलब रहने की सुविधा, फिर खाने की सुविधा, फिर आने जाने की सुविधा, फिर वहाँ पर एंटरटेनमेंट, फिर वहाँ पर स्पेशल शॉप्स होती हैं, अलग अलग जगह पर जाते हो तो वहाँ का कुछ सामान होता है स्पेशल खरीदने के लिए। ठीक है, तो इन लोगों को भी क्या मिलती है, जॉब मिलती है। टूरिज्म प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, रिटेल ट्रेडिंग, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो मतलब टूरिज्म से आपको देखने को मिलेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जहां भी टूरिज्म डेवलप हो रहा है वहां पर रोड बनेंगे अच्छे, वहां पर बैंकिंग सिस्टम अच्छी बनेगी, बहुत सारे ATMs होंगे, वहां पर बहुत सारे होटल्स बनेंगे, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहां पर कम्युनिकेशन का सिस्टम अच्छा होगा। ठीक है, वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी होगी। तो मतलब ये जो चीज़ है ना, जो बेसिक नेसेसिटीज, ये सिस्टम वहाँ का जोरदार हो जाएगा, तो टूरिज्म से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। रिटेल ट्रेडिंग, वहाँ पर घनी सारी दुकान बन जाएंगे आपकी जहाँ से आप सामान खरीद सकते हो, बेच सकते हो। इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, मतलब हर अलग जगह पर कुछ ना कुछ सामान फेमस होता है लोकल, है ना, जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी यहाँ पर डेवलप हो जाएंगी। इन सम रीजन्स टूरिज्म इज सीजनल, वाइल इन अदर रीजन्स अट्रैक्ट विजिटर्स ऑल अराउंड द ईयर ड्यू टू फेवरेबल वेदर। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर टूरिज्म सीजनल होता है, मतलब ये कभी कभी
कुछ सीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे जाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही हो तो नहीं जाते हैं, मगर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे क्लाइमेट ऑलवेज फेवरेबल बना रहता है, कभी भी साल के किसी भी टाइम पे आप जा सकते हो। अब हम देखेंगे टूरिस्ट रीजन्स के बारे में, दुनिया में कौन कौन सी जगह हैं जो टूरिस्ट रीजन्स के नाम से जानी जाती हैं, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आना जाना पसंद करते हैं। नंबर 1, वार्मर प्लेस। अब यार एक चीज़ बताओ, आप किस एरिया में रहते हो? आप ठंडे एरिया में रहते हो तो आपका मन करेगा यार गर्म एरिया में घूमने जाएं, अगर आप गर्म एरिया में रहते हो तो आपका मन करेगा ठंडे एरिया में रहने जाएं, ठीक है? तो दीज आर द फेवरेबल प्लेसेस स्पेशली फॉर दोज टूरिस्ट हु लिव इन द कोल्डर रीजन्स। तो वार्मर प्लेसेस इसलिए सबसे ज़्यादा किन लोगों को अच्छे लगते हैं? जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, ठंडी जगहों पर रहते हैं, वो लोग हमेशा चाहते हैं कि यार हम गर्म जगह पर घूम के आएं, उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन होती है गर्म जगह पर जाना। इसका एग्जांपल दे रखा है मेडिटेरेनियन कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। एक तो मेडिटेरेनियन कोस्ट और इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा घूमने आते हैं, कहाँ से? जो ठंडे प्लेसेस हैं, राइट। दूसरा विंटर स्पोर्ट्स रीजन्स। तो विंटर स्पोर्ट्स रीजन्स कौन से होते हैं? ये जनरली पाए जाते हैं माउंटेनियस एरियाज में और सीनिक लैंडस्केप नेशनल पार्क रीजन, और ये अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। तो दीज आर फाउंडेड माउंटेनियस एरिया, सीनिक लैंडस्केप्स और नेशनल पार्क रीजन, तो दुनिया में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्नो कैप्ड माउंटेन स्लोप होते हैं, मतलब बर्फ़ से मतलब ढके हुए माउंटेन रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका स्विट्जरलैंड में और हिमालय में जो माउंटेन है जो बर्फ़ से ढके हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं और यहाँ पे स्पोर्ट्स भी करते हैं, खेलते हैं यहाँ पर, है ना। हिस्टोरिक टाउन्स, हिस्टोरिक टाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में तो यार बहुत सारे हिस्टोरिक टाउन्स हैं, है ना। अलग अलग जगह पर जाओ, इतिहास हमारा भरा पड़ा यार, इतिहास अपना इतना महान है कि आप पूछो मत, कितना सारा जानने के लिए आप पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी फिर भी कम पड़ जाएगा, इतने सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं अगर उनको ढंग से अगर आप जानना चाहो तो, है ना। और अभी तो डेवलप नहीं किए ढंग से। तो दीज टाउन्स एंड साइट्स सिटीज़ आर प्रोमिनेंट फॉर मोनूमेंट्स हेरिटेज साइट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। तो हिस्टोरिकल टाउन्स, नंबर 1 तो यहाँ पे मोनूमेंट्स पाई जाती हैं, हो सकता है वहाँ पे किले हों, बिल्डिंग्स हों, हेरिटेज साइट हों, कल्चरल एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। फॉरेन टूरिस्ट के अलावा नेटिव टूरिस्ट भी आते हैं, नेटिव का मतलब अपने देश के लोग भी आते हैं और फॉरेनर्स भी यहाँ पे घूमने जाते हैं। कमेंट करके बताओ आपके आसपास कौन से हिस्टोरिक टाउन्स हैं जिनका संबंध इतिहास से है, ठीक है, उसको आपको कमेंट करके बताना है। जैसे मैं आपको बता दूं, फिलहाल मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं भरतपुर राजस्थान से, तो भरतपुर में आपको पता लोहागढ़ फोर्ट है। कौन सा फोर्ट है? लोहागढ़ फोर्ट है, जो वर्ल्ड फेमस है। साथ ही साथ में यहाँ पर अगर मैं हिस्टोरिक टाउन नहीं अगर दूसरी और बात करूँ तो यहाँ पर केवला देव नेशनल पार्क भी है, वर्ल्ड सेंचुरी भी है, तो वो भी फेमस है ये यहाँ से। तो मैं जानना चाहूँगा आपके यहाँ पर कौन सा एरिया है टूरिस्ट के लिए जो बहुत ज़्यादा जाना जाता है। प्लस मेरे पास मथुरा में भी लॉर्ड कृष्णा का बर्थ प्लेस है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, ठीक है। और मेरा भी जन्म स्थान मथुरा में ही है, ठीक है, बट राइट नाउ आई एम इन भरतपुर। तो आप भी कमेंट करके बताएं आप कौन से टूरिस्ट रीजन में आते हैं, आपके आसपास कौन कौन सी फेमस जगह घूमने लायक, बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करोगे। तो टूरिस्ट अट्रैक्शंस अगला है, टूरिस्ट अट्रैक्शन। टूरिस्ट किन किन चीज़ों को लेकर अट्रैक्ट होते हैं, क्या चीज़ होती है टूरिस्ट के लिए, किन किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं? नंबर 1 है भाई साहब क्लाइमेट, ठीक है। तो किसी भी रीजन का जो क्लाइमेट होता है वो टूरिज्म की डिमांड को बढ़ा देता है और घटा भी देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोल्डर रीजन में रहने वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा मतलब जाना चाहेंगे वार्म और सनी वाले एरियाज में जाना चाहेंगे, बीच पे जाना चाहेंगे, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, ठंडे एरिया में रहते हैं, वो जाना चाहेंगे कि यार अब हम घूमने जाएं तो गर्म जगह पे जाएं, सनी जगह मतलब जहाँ पे धूप धूप निकलती हो, स्पेशली बीच होते हैं। इसलिए आप देखो इंडिया में जो बीच हैं यहाँ पे विदेशी बहुत आते हैं, स्पेशली यूरोपियंस बहुत आते हैं। क्यों आते हैं? यूरोप भाई ठंडा है, यूरोप इलाका ठंडा है और अपने इंडिया में गर्म क्लाइमेट है, तो यहाँ पे आते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनकी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स मिलता है, राइट। क्लाइमेट इज वन ऑफ द मेन रीजन दैट टूरिस्ट हैज फ्लोरिस्ट इन सदर्न यूरोप एंड मेडिटेरेनियन सी। क्लाइमेट की वजह से आप देखो यूरोप को अगर देखें, यूरोप में ऊपर की तरफ जाओगे, जैसे सपोज ये यूरोप है तो यूरोप में ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर घटेगा और नीचे की तरफ आओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा साउथ में, ठीक है। तो साउथ वाला रीजन जो है ये थोड़ा वार्म है, नॉर्थ वाला जो रीजन है ये कोल्ड है, इसीलिए लोग जो हैं यूरोप के ज़्यादातर साउथ में जाना आना पसंद करते हैं। दूसरी बात क्लाइमेट इन द मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन में बढ़ा चुका हूँ, मेडिटेरेनियन रीजन वही है जहाँ पे आपको बताया मेडिटेरेनियन टाइप की एग्रीकल्चर पाई जाती है, ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, बीच में मेडिटेरेनियन सी है, उसकी बात चल रही है। तो मेडिटेरेनियन रीजन जो है रिलेटिवली वार्मर है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, सो इट ऑफर्स हाई टेम्परेचर्स, लॉन्ग आवर्स ऑफ सनशाइन, लो रेनफॉल थ्रू आउट द होलीडे सीजन। तो आपको देखने को मिलेगा मेडिटेरेनियन सी की खासियत क्या बात बता रखी है,
नंबर एक, यूरोप की तुलना में गर्म है। नंबर दो, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है। नंबर तीन, यहाँ धूप भी ज़्यादा निकलती है। और नंबर चार, यहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है। इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लोग बहुत आते हैं यूरोप से घूमने के लिए। कहाँ पर? मेडिटेरेनियन रीजन, जहाँ पे एग्रीकल्चर कौन सी होती है? मेडिटेरेनियन टाइप की एग्रीकल्चर होती है, जो फेमस है किसके लिए? स्पेशली विटीकल्चर के लिए फेमस है, अंगूर की खेती के लिए फेमस है। पीपल गोइंग फॉर विंटर हॉलीडेज हैव स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायरमेंट सच एज हाइयर टेम्परेचर देन देयर होमलैंड और हाइयर स्नो कवर ऑफ फॉर विंटर स्पोर्ट्स सच एज स्कीइंग। ठीक है, तो मतलब लोग जो घूमने जाते हैं उनकी डिमांड यही रहती है कि उनका जो मतलब जो जिस जगह पर जाते हैं वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा अलग हो। ठंडे में अगर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं तो वो ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, और गर्म में रह रहे तो वो सोचेंगे यार वहाँ पर जाएँ जहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर कम हो। दूसरा है लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब वही फिजिकल फीचर्स है ना। तो पीपल ऑफन लाइक एक्सप्लोर एरियाज विच हैव नेचुरल सीनिक ब्यूटी एंड दैट आर नॉट मच चेंज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो लोगों की ऐसी चॉइस रहती है कि यार वो ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी हो, नेचुरली एकदम देखते ही मतलब मजा आ जाए। आप ये पिक्स देख के आपको मजा आ रहा होगा, राइट? और ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जो एरिया बिल्कुल अनटच हो, ह्यूमन एक्टिविटीज वहाँ पर ना हुई हो, ठीक है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो, नेचुरल फॉर्म में। ऐसी चीज़ को लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। एग्जाम्पल माउंटेन्स, लेक्स, स्पेक्टुलर सी कॉस्ट और लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें जो होती हैं और यहाँ पर लोग ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं। नेक्स्ट अपना अट्रैक्शन है हिस्ट्री एंड आर्ट। लोग आज हिस्टोरिकल प्लेसेस को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जिसका इतिहास से संबंध है। राजस्थान में आप देखो बहुत सारे फोर्ट्स ही फोर्ट्स हैं लाइन लगा के, है ना, बहुत किले हैं और अलग अलग किले की अलग अलग कहानी है। तो मैनी पीपल लाइक टू विजिट एरियाज विच आर फेमस फॉर देयर हिस्ट्री एंड आर्ट। तो लोग ऐसी जगह पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जो वहाँ की इतिहास और वहाँ के आर्ट्स के लिए फेमस है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एंशियंट और पिक्चरस टाउन्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स विच हैव कैसल्स, पैलेसेस, चर्चेज, बैटल फील्ड्स, एक्सकेवेशन साइट्स, ऐसी जगह पे लोग जाना पसंद करते हैं। जैसे अगर मान लो पानीपत नाम की जगह, तो आपको पता है पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है, तो ऐसी जगह पर हर कोई जाना चाहेगा। तराइन, तराइन ऐसी जगह जहाँ पर तराइन के बैटल हुए हैं, तो वहाँ लोग ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। राजस्थान में अलग अलग फोर्ट्स हैं, अलग अलग फोर्ट्स की अलग अलग कहानी है, ठीक है। तो ऐसी जगह पर लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जिनका इतिहास से संबंध है। नेक्स्ट है कल्चर। तो पीपल ऑल्सो हु टेक इन इंटरेस्ट इन आर्ट एंड कल्चर आर अट्रैक्टेड टू सच प्लेसेज विच हैव ट्रेडिशंस एंड वेरिंग कलर्स ऑफ कस्टम। तो जिन लोगों को आर्ट में ज़्यादा मजा आता है, कल्चर में ज़्यादा मजा आता है, तो वो ऐसी जगह पर ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ पर अलग अलग तरह के रीति रिवाज हों, अलग अलग तरह की कस्टम्स हों। तो यार अपना इंडिया तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, अपने यहाँ पर तो बहुत सारा कल्चरल वेरिएशन है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, अलग अलग एरिया का अलग अलग कल्चर है। नेक्स्ट है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी से क्या मतलब है? इकोनॉमी मतलब यार लोग ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर पैसा कम लगे भैया, है ना, मनी कम लगे तो ज़्यादा मजा आता है ना। इफ़ ए रीजन प्रोवाइड्स फॉर द नीड्स ऑफ टूरिस्ट एट ए चीप कॉस्ट, इट इज़ लाइकली टू बिकम वेरी पॉपुलर। जहाँ पर पैसा कम लगता है, कम पैसे में ज़्यादा मजा आता है, ऐसी जगह पर लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। होम स्टे हैव बिकम प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर द लोकल पीपल हु प्रोवाइड अकोमोडेशन एट चीपर कॉस्ट टू टूरिस्ट सच एज हेरिटेज होम्स इन गोवा, मेडिकेयर कुर्ग इन कर्नाटका। तो आजकल एक कॉन्सेप्ट और नया निकल के आ रहा है, होम स्टे। आप जाओ इन जगहों पर घूमने, यहाँ पर लोग घरों में ही रहने की व्यवस्था कर देते हैं और जो सस्ता पड़ता है होटल्स की तुलना में, तो ये भी एक मतलब अच्छा मतलब जरिया बन गया है लोकल लोगों के कमाई के लिए, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन, और बने रहिए अपने साथ, इन्जॉय करते रहिए क्लास 12 की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है मेडिकल टूरिज्म, ठीक है। तो टूरिज्म आपने सुना होगा, जब हम एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, मस्ती करने के पर्पज़ से, एंजॉयमेंट के पर्पज़ से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब वो एक जगह चाहे आप अपने एरिया में जाओ, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाओ, अपने तहसील में जाओ, अपने देश में घूमो, या एक जगह से दूसरे देश में भी जा सकते हो, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट इज़ टूरिज्म, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। जब इंसान थोड़ा सा सोचता है कि यार अब थोड़ा हम थक गए, थोड़ा बहुत जॉब कर लिया, थोड़ा घूम लेते हैं, लेट्स एंजॉय, तो एंजॉयमेंट के पर्पज से टूरिज्म। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेडिकल टूरिज्म की, ठीक है। टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मेडिकल टूरिज्म। मतलब कई बार क्या होता है, अब इसको हम समझेंगे, ठीक है, इसका मैं बेस में तो मैं यहीं बता देता हूँ। जैसे फॉरेन कंट्रीज में कई सारे कंट्रीज हैं यहाँ पे, अब जैसे हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से जानेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, हम किसके पर्सपेक्टिव से जानेंगे? इंडिया के पर्सपेक्टिव से, अपने भारत देश के पर्सपेक्टिव से। कई देशों में जैसे मान लो सपोज अफ्रीका है, अफ्रीका में अगर किसी व्यक्ति को इलाज कराना और वो यूएसए जा रहा है, ठीक है, और यूएसए में उसको 45 लाख का खर्चा आ रहा है किसी चीज़ का ऑपरेशन कराने में, 45 लाख का खर्चा आ रहा है, और वही चीज़ अगर वो इंडिया में आता है तो मात्र उसका 20 लाख रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, और उसको पता चल गया कि जो फैसिलिटी हमें अमेरिका में मिलेंगी वही फैसिलिटी इंडिया में हमें कितने मिल रही है, 20 लाख में मिल रही है, तो कितने की बचत हो गई उसकी, 25 लाख रुपए की बचत हो गई। जस्ट इमेजिन, है ना, खर्चा उसने एस्टिमेट किया।
अब वो जब इंडिया आएगा, मान लो सपोज कोई व्यक्ति यहाँ पे आया और वो स्वस्थ हो गया, अब वो सोचेगा यार 25 लाख की बचत हो गई यार, है ना, थोड़ा घूम लेते हैं। तो इसमें से अगर 2-4 लाख रुपए चले भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। मान लो उसने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए घूमने में, 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, बट स्टिल उसके हाथ में कितने की बचत है, 20 लाख की, ठीक है ना। तो जब ऐसी सिचुएशन में जब लोग आते हैं यहाँ पे, तो वो सोचते हैं यार बार बार तो इंडिया आएंगे नहीं, तो लेट्स एंजॉय और थोड़ा घूम भी लेते हैं, अब सही भी हो गए ना। तो ऐसी कंडीशन में वो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ टूरिज्म भी करते हैं, घूमते भी हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। अंडरस्टूड? तो शुरुआत करते हैं मेडिकल टूरिज्म। हमारी बुक में क्या दे रखा है, एक एक लाइन एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जस्ट आराम से सुनना बिंदास, और चीज़ों को ना आपको रिलेट करना है ना, रटना नहीं है चीज़ों को, समझना है, समझोगे तो लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में रहेंगे, ठीक है। तो व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद द इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी, इट इज नोन एज मेडिकल टूरिज्म। एक नंबर की डेफिनेशन आए, तो मेडिकल टूरिज्म क्या है, तो आपको बताना है कि जब हम मेडिकल टूरिज्म को किसके साथ साथ जोड़ दें मेडिकल ट्रीटमेंट को हम टूरिज्म के साथ साथ जोड़ देते हैं, तो इसी चीज़ को बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। इंडिया एक लीडिंग कंट्री के रूप में उभर के आया मेडिकल टूरिज्म में। दुनिया भर में अगर आप देखो तो आज की डेट में बहुत सारे देशों से मतलब लोग भारत में ट्रीटमेंट कराने आते हैं, भारत में इलाज कराने आते हैं, और इलाज कराने के साथ साथ वो यहाँ घूम के भी जाते हैं। यार इतना मतलब अच्छा लगता है उनको यहाँ पे आना, है ना। हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी जो है बहुत अच्छी हो गई है ना, पिछले कुछ सालों में आप देखो इंडिया की जो मेडिकल फैसिलिटी जो जबरदस्त हुई है, मतलब अच्छी फैसिलिटीज हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं अपने यहाँ पर, ऐसी कंडीशन से कि मतलब लोग इलाज भी कराते हैं, इलाज के साथ साथ घूम के भी जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऊपर से आप देखो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये डेवलप होता जा रहा है ना, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज डेवलप्ड टू मीट वर्ल्ड क्लास डिमांड ऑफ ओवरसीज पेशेंट। अपने इंडिया की बात करें तो हमने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो किस में आ जाएंगे, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगे। वहाँ पर जो मशीनरी है, वहाँ पर जो इक्विपमेंट है, वहाँ पर जो टेस्टिंग लैब्स हैं ना, ये सारी चीज़ें ये हमने कैसी प्रोवाइड करा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड की डिमांड के हिसाब से प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि ओवरसीज पेशेंट, ओवरसीज मतलब विदेशों से जो मतलब आ रहे हैं ना यहाँ पे पेशेंट, उनको हम बोलेंगे ओवरसीज पेशेंट, उनकी नीड को फुलफिल किया जा सके। मगर स्टिल अब देखो ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नंबर वन पे आ गए, वैसा वैसा भी नहीं है, बट स्टिल इंडिया इतना एडवांस नहीं हुआ है जितना एडवांस यूएसए है, ठीक है। हर साल जहाँ पे यूएसए में आप देखो, हम क्या करें, यूएसए भाई अभी हम यूएसए को बराबरी नहीं कर सकते, मगर फिर भी बराबरी नहीं कर सकते तो मतलब क्या है, हम कोशिश कर रहे हैं, बेटर होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती जा रही हैं, और आप देखो यहाँ पे यूएसए में तो आप मिलियंस ऑफ सर्जरीज परफॉर्म की जाती है ना, हमारे यहाँ भी कम नहीं है, हम भी मतलब धीरे 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 करके क्या कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म जब होता है तो आप देखो बहुत सारे कंट्रीज को फायदा भी होता है, ठीक है। कई सारे देशों में जैसे इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ पर बहुत सारे देशों से मतलब अलग अलग देशों से लोग इलाज कराने जाते हैं, तो इन देशों को भी क्या होता है, फायदा होता है, डेवलपिंग कंट्रीज को भी बेनिफिट होता है। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन, अब क्या बेनिफिट होता है यार, है ना, इंपॉर्टेंस देखते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल टूरिज्म, आराम से समझो भाई साहब। नंबर एक तो भैया फॉरेन एक्सचेंज आता है, विदेशों से जब लोग घूमने आएंगे यहाँ पे इलाज कराएंगे तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, डॉलर ही डॉलर आएगा भाई साहब, राइट। दूसरी बात, जब पैसा आएगा, अब देखो यहाँ पे आ रहे हैं तो अपना मेडिकल सेक्टर ग्रो करेगा, मेडिकल सेक्टर के साथ जिस होटल में रहेंगे होटल वाला सेक्टर करेगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ग्रो करेगा, है ना, वो जो जो चीज़ यूज करेंगे हर चीज़ में उनको पैसा खर्च करना, और वो पैसा हमारे भारत देश में आएगा, है ना। तो अपनी GDP इंप्रूव होगी, इनकम बढ़ेगी लोगों की, क्या बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, ठीक है। डिमांड क्रिएट होगी, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी डिमांड अलग होगी ना यार, हमारे देश के लोगों की डिमांड अलग है, बाहर से लोग आए तो उनको अलग से होटल्स बनानी पड़ेंगे, उनके लिए खाने पीने का अलग से इंतजाम करना पड़ेगा, हम जो खा रहे हैं वो नहीं खाएंगे, उनकी अलग डिमांड होंगी, तो नई नई डिमांड्स क्रिएट होंगी, और नई नई डिमांड क्रिएट होंगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी तो पैसा आएगा लोगों के पास, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। और हमारे देश को भी एक मतलब ध्यान रखना, कंट्री को भी एक सॉलिड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और स्किल्ड मैन पावर मिलेगी। जब हमें लग रहा है यार बाहर से विदेश से मतलब लोग ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं, तो हम भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, एक ऐसा मतलब सिस्टम तैयार करेंगे बहुत अच्छा, और वहाँ पर स्किल्ड मैन पावर रखेंगे, और हमारे देश से जो डॉक्टर्स बाहर जाते हैं उनको भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब ये सिस्टम जब अच्छी तरह से फ्लोरिश करने लग जाएगा ना, अच्छी तरह से ग्रो करने लग जाएगा, है ना। जब ये सेक्टर ग्रो करेगा, मेडिकल टूरिस्ट जब बहुत ज़्यादा आएंगे तो हमारी फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, ये सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, है ना, मेडिकल से रिलेटेड। देखो दवाइयों की जो कंपनियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल। बायोटेक्नोलॉजी में अब आप देखो हॉस्पिटल में जाओ अलग अलग तरह की मशीन्स होती हैं, तो वो मशीन्स किस डिपार्टमेंट में आ जाएंगी, बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएंगी, है ना, जो अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। तो ये रहा मेडिकल टूरिज्म, इसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है, इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आएगा नहीं, और
बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन. और आज हम डिस्कस करेंगे क्वार्टरनरी एंड क्वेनरी एक्टिविटीज़ के बारे में, और साथ के साथ में जानेंगे आउटसोर्सिंग क्या होती है, KPO BPO ये क्या चीज़ है, इनके बारे में जानेंगे. और ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये यूँ समझो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा ये वाला. और चैप्टर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 टर्सरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ क्लास 12th की ज्योग्राफी बुक आपकी है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. ठीक है, यूँ समझो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ठीक है, जनरली इसको बहुत लोग हार्ड समझते हैं, इतना हार्ड है नहीं, पर फिर भी हम देखेंगे क्वार्टरनरी एक्टिविटीज एंड क्वेनरी एक्टिविटीज़. देखो आप सब लोग जानते हैं ज्योग्राफी में जब हमने एक्टिविटीज़ पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने शुरू शुरू में 3 एक्टिविटी देखी. पहली एक्टिविटी थी आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़, जो लोग नेचर से कनेक्टेड है, नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड है, वो सारी एक्टिविटीज़ कौन सी आ जाएंगी, प्राइमरी एक्टिविटीज, जिसमें एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग, फिशिंग, ठीक है, और घने प्रकार की आपकी वो होती है उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आपने प्राइमरी एक्टिविटी वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा, हंटिंग गैदरिंग से लेके पेस्टोरलिज्म, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी कई सारे टाइप्स दे रखे थे, एनिमल रियरिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, मिक्स फार्मिंग, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं. दूसरी तरफ हमने फिर नेक्स्ट चैप्टर में देखा था सेकेंडरी एक्टिविटीज़. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आपको देखने को मिलेगा इसमें इंडस्ट्रीज आती है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. ठीक है, पर तीसरा हमने देखा टर्सरी एक्टिविटी जो ये चली रहा है. टर्सरी में जनरली सर्विसेज आती हैं. अब यहाँ तक तो सब जानते हैं, सर्विस के अंदर ही, ध्यान रखना, सर्विस सेक्टर के अंदर ही, टर्सरी एक्टिविटीज के अंदर ही दो और हैं, एक को हम बोलते हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटीज और एक को हम बोलते हैं क्वेनरी एक्टिविटीज. ध्यान रखना, क्वार्टरनरी और क्वेनरी, मतलब आप यूँ समझ लो, अगर मैं आपको कहूँ कि जो लेवल ऑफ स्किल है वो आपका बढ़ता चला जाएगा. प्राइमरी एक्टिविटीज में आपको लेवल ऑफ स्किल है बहुत कम चाहिए, सेकेंडरी एक्टिविटीज में लेवल ऑफ स्किल आपको ज़्यादा चाहिए, है ना, आप ज़्यादा नॉलेजेबल है. टर्सरी एक्टिविटीज में थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, क्वार्टरनरी में और ज़्यादा चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो चाहिए आपको क्वेनरी में, समझ रहे हो ना. तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे लेवल ऑफ स्किल भी बढ़ता चला जाएगा. आज की डेट में जो डेवलप्ड कंट्री है, जो राज कर रहे हैं दुनिया पर, जैसे USA, और जो कंपनी है जो दुनिया पर राज कर रही हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोग बाग प्राइमरली इसी में जुड़े रहते हैं, कौन सी में, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज और क्वेनरी एक्टिविटीज में जुड़े रहते हैं, और सबसे ज़्यादा इनकम भाई साहब इन्हीं से मिलती है, समझ रहे हो. प्राइमरी एक्टिविटीज में खेत में आप पूरे दिन काम कर कितना भी काम लो, बहुत ज्यादा नहीं कमा पाओगे. इन एक्टिविटीज में जो बंदा एक घंटे भी काम कर लेगा, जो खेत में काम कर रहा है एक साल के बराबर, उससे बराबर पैसा, मतलब यहां पे कमा सकते हैं लाखों करोड़ों में, मतलब पैसे कमा सकते हैं क्वार्टरनरी और क्वेनरी एक्टिविटीज है. यहां पे देखते ही आपको समझ में आ गया होगा एग्रीकल्चर का मामला तो है नहीं. ठीक है, यहां पर मतलब हाईली एजुकेटेड, हाईली स्किल्ड, मतलब लोगों की जरूरत पड़ती है, थोड़ा एडवांस लेवल है ये, है ना. तो चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़. एक एक लाइन बताऊंगा मैं आपको, लाइन बाई लाइन समझाऊंगा बिल्कुल आराम से, और कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जांपल दूं. बस सुनना है, थोड़ा समय जरूर लगेगा, अब जितना लगे, अब मुझे पता नहीं कितना समय लगेगा. लेट्स सी, लेट्स बिगिन. क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि टर्सरी एक्टिविटीज़ का ही सब डिवीजन है क्वार्टरनरी और क्वेनरी, राइट. तो द सर्विस सेक्टर विच इज नॉलेज ओरिएंटेड कम्स अंडर द क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़. सर्विस सेक्टर जो कि नॉलेज ओरिएंटेड है, जहां पर मतलब नॉलेजेबल लोगों की जरूरत पड़ती है, जहां पर स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ती है, छोटे मोटे लोगों की नहीं, स्किल्ड लोगों ने एकदम बढ़िया हाईफाई नॉलेज वाले साइंटिस्ट टाइप के जो मतलब लोग होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर. दीज पीपल आर हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स विद डीप नॉलेज इन देयर पर्टिकुलर फील्ड. इस क्वार्टरनरी सेक्टर में जो लोग होते हैं इसमें हाईली स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, मतलब सपोज अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे मान लो ये कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये अपने फील्ड में माहिर होंगे, ये अपने में होंगे, ये अपने में होंगे, ये भाई साहब अपने में होंगे, ये बहन जी अपने में होंगी, है ना. तो सभी अपने अपने फील्ड में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं. एक्सपर्ट, आई एम सेइंग एक्सपर्ट, नॉर्मल नॉलेज नहीं, हाईली स्पेशलाइज्ड, है ना. दीज एक्टिविटीज सेंटर्ड अराउंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. यहाँ पर जो क्वेनरी सेक्टर में जो मेन काम किया जाता है वो किया जाता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अब यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है, इसमें जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, राइट. एंड मे बी सीन एज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्विस, है ना, इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स. तो भैया यहाँ पे जो लोग होते हैं, पहली बात तो R&D में काम करते हैं, और ये जो सर्विस होती हैं ये हाईली एडवांस सर्विस होती हैं, और यहाँ पे स्पेशल नॉलेज प्लस टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है. मैं यू नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं जा सकते, भाई साहब अभी तो आपने शुरुआत की, आप तो 12th में हो, सोचो अगर आप भी चाहो तो आप भी मतलब रिसर्च सेक्टर में जा सकते हो, मगर इसमें बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करनी पड़ती है ना.
क्वार्टरनरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व कलेक्शन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो क्वार्टरनरी सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं तो वो जिस भी फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको डेटा को प्रोड्यूस करते हैं और उस डेटा को शेयर करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चलो एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे कोविड 19 आप सबको पता है कोविड 19 डिजीज है ना 2019 में आई थी है ना। और जब ये डिजीज आई तो आप सोचो यार आपको कहाँ से मिल गई यार, आपने सुना होगा कोविडशील्ड वैक्सीन के बारे में सुना होगा आपने है ना, और कोवैक्सीन के बारे में सुना होगा। कमेंट करके बताओ कौन सी वैक्सीन आपने लगवाई थी, इन दो में से एक लगवाई होगी प्रोबेबली है ना, क्योंकि सरकार ने ये दो ही बांटी थी। तो क्या ये वैक्सीन रातों रात आ गई थी क्या? इसके लिए पहले क्या किया गया होगा, डेटा को कलेक्ट किया गया होगा, फिर उसको प्रोड्यूस किया गया होगा और फिर उसको शेयर किया गया। मतलब जो साइंटिस्ट लोग होंगे इस फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने जगह जगह जाके पेशेंट का डेटा लिया, फिर उसको कैटेगराइज किया होगा कि हाँ भाई कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं है ना, फिर उसको आगे फर्दर डिपार्टमेंट्स में भेजा हुआ, फिर उस पर क्या हुई होगी रिसर्च एंड डेवलप हुई होगी, फिर उन्होंने वायरस के बारे में जानकारी निकाली होगी, फिर इसको ये निकाला होगा कि इसका तोड़ क्या है। तो मतलब बड़ा समय लगता है। तो यहाँ पर R&D वाला जो सेक्शन है ना, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला सेक्शन है, ये आता है क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में। ठीक है, क्वार्टरनरी सेक्टर की बात करते हैं। तो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज आर स्पेशलाइज्ड टर्शियरी एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉलेज, पहली बात तो ये भी नॉलेज से रिलेटेड है। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग, डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। टेक्नोलॉजी, रिसर्च और डेवलपमेंट, ये सारे काम होते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर में। आप देखो जो डेवलप्ड कंट्री है भाई साहब, डेवलप्ड कंट्री जैसे USA, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है ना, या डेनमार्क, ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं यहाँ पे आधे से ज़्यादा वर्कर भाई साहब नॉलेज सेक्टर में ही रहते हैं। आपने इंडिया में देखो, इंडिया में मोस्टली 50% से ज़्यादा लोग कहाँ पे हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है, यहाँ खेतों में काम कर रहे हैं और ये भाई साहब रोबोट्स पर काम कर रहे हैं, स्पेस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सोचो, तो कोई भी देश अगर मतलब ये पहचान है, अगर प्राइमरी सेक्टर में अगर किसी देश में जो लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं ना, समझ लो वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। अच्छा, आप टर्सरी सेक्टर में चले गए, टर्सरी में भी क्वार्टरनरी और क्वार्टरनरी में चले गए, समझ लो बहुत एडवांस है। राइट, देयर हैज बीन ए वेरी हाई ग्रोथ इन डिमांड फॉर एंड कंजप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज फ्रॉम म्यूचुअल फंड मैनेजर्स टू टैक्स कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और स्टैटिस्टिशियंस। तो आपको देखने को मिलेगा आज की डेट में जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड सर्विस है ना, उनकी डिमांड आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो गई है ना। ये म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, स्टैटिस्टिशियन, सब कौन से सेक्टर में आ जाते हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर में आ जाते हैं। आप देखो ना भाई साहब, यूट्यूब पर आप देखो, यूट्यूब पर कितने डे टू डे आपको चेंजेस देखे होंगे आपने है ना, क्या ये अपने आप आ रहे हैं YouTube पे चेंजेस? आप कोई सी भी ऐप इस्तेमाल कर रहे होंगे मोबाइल में, और वो मोबाइल में आप देखो हर 15 दिन के बाद उसमें अपडेट आ जाता है, 10 दिन के बाद अपडेट आ जाता है। अपडेट क्या, उसमें कुछ नया ऐड किया गया, क्या नया अपने आप ऐड हो गया? नहीं भाई साहब, इस पर पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, तब जाके इन चीज़ों को ऐड करते हैं, उसके लिए इनको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो ये सब लोग किस में आ जाएंगे, क्वार्टरनरी सेक्टर में आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है ना। पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग, पर्सनल का मतलब होता है जो लोग काम कर रहे हैं ना, कर्मचारी, पर्सनल का मतलब क्या होता है, जो लोग काम कर रहे हैं। तो ऑफिस बिल्डिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, एलिमेंट्री स्कूल में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी क्लासरूम में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर्स के ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, थिएटर्स, अकाउंटिंग, ब्रोकरेज फर्म्स, ये सब लोग जो काम कर रहे हैं, ये यहाँ पे हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको नॉलेज होती है, और ये भी किसका पार्ट है, क्वार्टरनरी सेक्टर का ही पार्ट है। तो क्वार्टरनरी सेक्टर को भी हम आउटसोर्स कर सकते हैं, ध्यान रखना, आउटसोर्स करने का मतलब है किसी काम को दूसरे को दे देना, बाहर वाले लोगों को दे देना, उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। हालांकि आउटसोर्सिंग पर आज हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, जस्ट वेट। तो ये रही बात किसके बारे में, क्वार्टरनरी सेक्टर के बारे में। अब हम देखेंगे क्वेनरी सेक्टर, कौन सा सेक्टर, क्वेनरी सेक्टर के बारे में जानेंगे। सबसे ज़्यादा हाईली एडवांस्ड जो है, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो है आपका क्वेनरी सेक्टर। क्वेनरी सेक्टर में जो भी लोग काम करते हैं उनको हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर्स। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गोल्ड कॉलर वर्कर्स कौन से होते हैं, जो क्वेनरी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर्स। तो पीपल एंगेज इन दिस सेक्टर आर हाइएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग। भाई साहब, ये सेक्टर में जो लोग काम करते हैं क्वेनरी सेक्टर में, वो होते हैं हाइएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब किसी भी फर्म के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर जहाँ डिसीजन मेकिंग की जाती है, जहाँ पर पॉलिसी मेकिंग की जाती है, इससे संबंधित जो लोग होते हैं वो आते हैं आपके क्वेनरी सेक्टर में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फोटो देख रहे होंगे, ये सब CEOs हैं, अलग अलग कंपनीज के CEOs हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आप सब इनको जानते होंगे, इलोन मस्क है ना, इलोन मस्क ने आपको पता है ट्विटर को भी खरीद लिया, और ट्विटर अब आज की डेट में X बन चुका है, पता है कि नहीं पता। अब यार ये भाई साहब, आपको पता है पहले टेस्ला कंपनी चला, मतलब थी, फिर इन्होंने स्पेस एक्स में आ गए, अब इन्होंने ट्विटर को भी परचेज कर लिया, मतलब
कौन डिसीजन ले रहा है? डिसीजन ये भाई साहब ले रहे हैं हमारे, कौन? एलोन मस्क ले रहे हैं। तो ये भाई साहब किस में आ जाएंगे? क्वेनरी सेक्टर में आ जाएंगे, है ना। क्वेनरी सेक्टर में ऐसे लोग आते हैं जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, डिसीजन लेते हैं, राइट। अपनी गवर्नमेंट में भी आप देखो, हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिनके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर सीएम होते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वेनरी सेक्टर, राइट। तो क्वेनरी एक्टिविटीज जो होती हैं, ये किन किन चीज़ों पर फोकस करती है? नंबर एक, क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज। मतलब ये नए नए आइडियाज या जो भी आइडियाज हैं उन पर ये काम करते हैं कि यार प्रेजेंट में हम जो भी कर रहे हैं क्या इसको नए तरीके से कर सकते हैं, क्या इसमें कुछ नया कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने किसको, ट्विटर को खरीद लिया, और आपको पता होगा ट्विटर का इन्होंने भाई साहब नाम भी चेंज कर दिया, है ना। ये सारे काम है ना स्पेस एक्स में। जैसे इन्होंने आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अभी तक, मैं अब तक की बात कर रहा हूँ, 24 जनवरी 2024 की बात कर रहा हूँ, अब तक एक ही रॉकेट से बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड किसके पास है? स्पेसएक्स के पास है। इन्होंने इसरो का रिकॉर्ड भी बीट कर दिया है ना। तो ये नए नए आइडियाज यार, एक सैटेलाइट, एक रॉकेट से 10 सैटेलाइट छोड़ने के, 20 सैटेलाइट छोड़ने, 50 सैटेलाइट छोड़ने, नए नए आइडिया ही तो हो गए। तो नए नए आइडियाज पर काम करते हैं, ये एक्टिविटीज फोकस की जाती है क्वेनरी एक्टिविटीज के अंदर। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड यूज, अलग अलग जो डेटा यूज की, अलग अलग ये डेटा कलेक्ट करते हैं ना। सपोज इनको मतलब कहीं पर किसी भी देश का मैं अपनी प्लांट खोलना है, जैसे आपको बताया भारत में टेस्ला कंपनी आ रही है, इन्होंने ले लिया, तो यार ये डायरेक्ट थोड़ी ले आते हैं किसी भी देश में, पहले उससे संबंधित डेटा मंगाते हैं, फिर उसका यूज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्या भारत में यार डिमांड है या नहीं है, क्या भारत में लोग इसको खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, क्या भारत में लेबर कॉस्ट कैसी होगी। तो ऐसे करके डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं, उसको इंटरप्रिट करते हैं, ये भी इसी में आ जाएगी। इवोल्यूशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई जो टेक्नोलॉजी जा रही हैं इनको भी इवोल्यूशन करते हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी हमें अपनानी चाहिए कि नहीं अपनानी चाहिए। ये सब मास्टर्स हैं यहाँ पे आप देखने को मिलेगा ना। जैसे आज की डेट में आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं और ये कंपनियां इनका यूज कर रही हैं अपने अपने प्रोडक्ट में, है ना। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी हो गई, क्या इसको यूज करें कि नहीं करें, है ना। ये सारी चीज़ें क्वेनरी सेक्टर के अंदर आ जाएंगे। ये हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं, मोदी जी हैं ना, ये इसरो कंपनी का रॉकेट है ऊपर छोड़ रहा है। तो ये इसरो भी, इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि यार अब हम चंद्रयान 3 पे काम करेंगे, अब हम चंद्रयान 4 पे काम करेंगे, अब हम गगनयान पे काम करेंगे, अब हम आदित्ययान पे काम करेंगे। तो डिसीजन लेने वाले हो गए ना। तो डिसीजन लेने वाले लोग जो हैं ये सब किस में आ जाएंगे? क्वेनरी सेक्टर के अंदर ही आ जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट, पीपल एंगेज्ड इन क्वेनरी एक्टिविटीज आर रेफर्ड एज गोल्ड कॉलर वर्कर्स, ठीक है। क्वेनरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दे आर कंसीडर्ड एज सब डिवीजन ऑफ टर्सरी सेक्टर, ये शुरुआत में ही बता चुका हूँ। क्वेनरी सेक्टर जो है सब डिवीजन है टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर के अंदर ही क्वार्टरनरी और क्वेनरी एक्टिविटीज आती हैं। इसमें रिप्रेजेंटिंग स्पेशल एंड हाईली पेड स्किल्स ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट। तो इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं क्वेनरी में? इसमें आ जाएंगे आपके सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, और इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा पेड होती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाएंगे, रिसर्च साइंटिस्ट आ जाएंगे, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट भी इसके अंदर आ जाएंगे। अब देखो, हालांकि आपको देखने को मिलेगा इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या भले ही कम है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एडवांस इकोनॉमी के लिए। यार इन लोगों की मैं बात कर रहा था, है ना, इसके पास, इस बंदे के पास इतनी संपत्ति है कि कम से कम 50 देशों को खरीद सकता है अकेला, ठीक है। तो इसमें भले ही नंबर कम है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। ट्रेंड्स इन क्वेनरी सेक्टर, क्वेनरी सेक्टर में क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं, ठीक है। तो देर आर सम न्यू ट्रेंड्स इन क्वेनरी सेक्टर लाइक नॉलेज प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग एंड होम शोरिंग, ठीक है। तो मतलब आपको देखने को मिलेगा क्वेनरी सेक्टर में दो ट्रेंड क्या चल रहे हैं, एक तो KPO चल रहा है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग चल रही है, और दूसरा होम शोरिंग चल रहा है। होम शोरिंग क्या है? अल्टरनेटिव है आउटसोर्सिंग का। अब इनमें क्या अंतर है यार, आउटसोर्सिंग क्या होता है अभी हम देखेंगे डिटेल में, होम शोरिंग क्या है। आपने कोरोना काल में देखा होगा बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो जो वर्क फ्रॉम होम होता है उसी को हम बोलते हैं होम शोरिंग, ठीक है। तो आजकल ये क्वेनरी सेक्टर में कई लोग क्या करते हैं, घर से ही काम करवा देते हैं, ये हो गई होम शोरिंग। आउटसोर्सिंग में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आउटसोर्सिंग का, है ना, बहुत सिंपल सा है। जैसे सपोज हीरो कंपनी है ना, हीरो कंपनी है और आपकी इसकी बाइक बनाती है, क्या बनाती है? अब आपने हीरो की कंपनी में अपने बाइक में देखा होगा, बाइक जो है ना उसमें टायर जो होते हैं या तो अपोलो के होंगे या MRF के होंगे या C8 के होंगे। अब यार हीरो कंपनी टायर नहीं बनाती ना, उसने बोल दिया किसको, इसको या तो C8 कंपनी को बोल देगी या अपोलो को बोल देगी, ये कंपनी टायर बनाने वाली है ना, या फिर वो MRF को बोल देगी भाई साहब हमारे लिए टायर बना दो,
तो हीरो ने क्या किया, अपना काम किसी दूसरी कंपनी को दे दिया, किसी दूसरी फर्म को दे दिया। तो दूसरे से जब कोई कंपनी काम करवाती है तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। समझ में आया ना। ऐसे ही आप कोई भी कार देखो, है ना, अब यार अपनी जो व्हीकल है, फोर व्हीलर या थ्री व्हीलर या टू व्हीलर या जितने भी व्हीलर हैं आपके पास, इसमें आप देखना इसमें कितने सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनको कंपनी, जो जिस कंपनी की वो चीज़ है वो खुद नहीं बनाती। अगर हम बाइक की बात करें, एक बाइक को बनाने में कम से कम लगा लो अब 100 से 200 कंपनियों को आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, 100 से 200 ज़्यादा कंपनियों से सामान बनवाना पड़ता है तब जाके एक बाइक बनती है। एक कार बनाने के लिए कम से कम 400-500 कंपनियों से सामान लेना पड़ता है तब जाके कार बनती है, इतना सोच लो। तो ये बाहर के लोगों से जो काम करवाती है कोई भी कंपनी, उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। फ़ायदा क्या होता है यार, एक कंपनी कितना काम करेगी तो इससे क्या होता है, दूसरे लोगों को दे देते हैं, तो दूसरे लोग क्या है उसको कम पैसे में और बढ़िया करके दे देते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग में एक बीपीओ है, क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। बीपीओ क्या होता है, ये भी एक मेथड है सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेरियस बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशंस टू थर्ड पार्टी वेंडर्स। तो बीपीओ में क्या होता है, मान लो कोई कंपनी है वो कुछ ऑपरेशंस को किसी दूसरे को दे देंगे कि यार इन ऑपरेशंस को तुम संभालो, और तो ये ऑपरेशन जब दूसरों को दे दिए जाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं बीपीओ। जैसे अब मैं एक बार और बताता हूँ, जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, है ना, एक एग्जांपल से ज़्यादा समझ पाएंगे। कंपनी में मान लो यार झाड़ू पोछा करना है, अब यार झाड़ू पोछा के लिए भी कंपनी कोई अलग से रिक्रूटमेंट करेगी, भर्ती करेगी उनको, तो ये बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा उस पर। तो कंपनी ने क्या किया, कोई दूसरी कंपनी एक्स वाई जेड, उस कंपनी को बोल दिया भाई साहब हमें झाड़ू पोछा करवाना है और पर व्यक्ति के हम 10,000 रुपये दे सकते हैं, आप देख लो कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो एक्स वाई जेड कंपनी किसी व्यक्ति को हायर करेगी, वो बोलेगी भाई साहब हम आपको 7,000 रुपये महीने देंगे, आपको काम करना है तो आ जाओ झाड़ू पोछा लगा लो। तो कंपनी मान लो ए बी कंपनी है, ए बी कंपनी ने किसको बोल दिया, एक्स वाई जेड कंपनी को बोल दिया हमें झाड़ू पोछा लगवाना है, तो एक्स वाई जेड कंपनी किसी बंदे को हायर करेगी तो 7,000 में, और ये एक्स वाई जेड कंपनी ए बी से कितना ले लेगी, 10,000, जबकि ए बी कंपनी को इसी व्यक्ति को रखने में खर्चा कितना आ रहा था, 15,000 रुपये आ रहा था। तो यार ए बी कंपनी को कितने का फायदा हो गया, 5,000 का, एक्स वाई जेड कंपनी को कितने का, 3,000 का। तो ऐसे होता है आउटसोर्सिंग वाला काम, किसी भी काम को जब दूसरे को दे देते हैं तो ये होता है आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग करने से क्या होता है, हेडेक कम हो जाती है कंपनी की, कंपनी कुछ दूसरी चीज़ों में ध्यान दे सकती है और कंपनी को फायदा भी हो जाता है, ठीक है। इसी में एक और आती है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जिसको हम बोलते हैं केपीओ। तो बीपीओ में तो क्या होता है यार, बहुत छोटे लेवल पर होती है बीपीओ। बीपीओ मैंने अभी बताया ना, बीपीओ में ज़्यादा स्किल्ड लोग नहीं चाहिए, हाईली स्किल्ड लोग नहीं चाहिए, लो स्किल से भी काम चल जाएगा। आपने देखा होगा ना, आप जब भी कॉल करते हो तो कस्टमर केयर में जो लोग काम करते हैं वो बीपीओ का ही एग्जाम्पल है ना। अलग अलग कंपनियों के कस्टमर केयर होते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग काम करते हैं कॉल सेंटर्स में, वो बीपीओ का एग्जाम्पल है। कई बार तो ऐसा होता है कंपनी आपकी यूएसए की है और उसका जो कस्टमर केयर है, वो जो लोग हैं वो कहाँ से काम कर रहे हैं, इंडिया से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए, थोड़ी अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, तो ऐसे करके ये काम कर सकते हैं। तो बीपीओ क्या है, यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज बेस्ड सेक्टर नहीं है, यहाँ पे कम स्किल्स पर भी काम चल जाता है। यहाँ पे जो लोग होते हैं उसको लो पेमेंट मिलता है बट कम स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये बीपीओ होता है। बट इसका नेक्स्ट लेवल वर्जन है केपीओ। तो जो अभी हम कह रहे हैं ना क्वेनरी एक्टिविटीज़ में जो आउटसोर्सिंग की जाती है, क्वेनरी एक्टिविटीज़ में जो आउटसोर्सिंग की जाती है वो है केपीओ। अब देखते हैं केपीओ क्या है। तो केपीओ इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीपीओ। बीपीओ मैंने बता दिया यहाँ पे ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर केपीओ के अंदर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। केपीओ में मेनली इंफॉर्मेशन बेस्ड आउटसोर्सिंग है। अब मान लो कोई बड़ी कंपनी है, जैसे सपोज स्पेस एक्स कंपनी है ना, स्पेस एक्स कंपनी को कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट चाहिए, अब वो यूएसए नहीं जा सकते तो वो किसी कंपनी को हायर करेंगे, लोगों को हायर करेंगे कि यार आप भले इंडिया से रहते रहते ही हमारा काम कर दो, है ना। तो कुछ लोग इंडिया में रहते रहते ही काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पे लोग कैसे हैं, वो हाईली स्किल्ड हैं, या मान लो इंडिया में उन्होंने IITians को कुछ को हायर कर लिया और यहाँ से इंडिया से काम करवा रहे हैं। तो ये जो IITians इंडिया में काम कर रहे हैं किसके लिए, स्पेस एक्स के लिए, ये किसका एग्जाम्पल है, केपीओ का। मगर बहुत लो स्किल में 15-20 हज़ार की जॉब में आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है, बीपीओ का एग्जाम्पल है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इनेबल कंपनीज टू क्रिएट एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो इससे फायदा क्या हो जाता है, कंपनी जो है केपीओ करके कुछ और नई चीज़ों पर भी ध्यान दे सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज भी देख सकती है। तो एग्जाम्पल ऑफ केपीओ क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, लीगल प्रोफेशन, बैंकिंग सेक्टर, इन सब चीज़ों में केपीओ की यूज की जाती है। अब हम देखते हैं सिर्फ आउटसोर्सिंग क्या है। अब आउटसोर्सिंग के बारे में इतना नॉलेज तो आ ही गया होगा कि आउटसोर्सिंग क्या है, किसी भी दूसरी कंपनी को जब हम काम दे देते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, आउटसोर्सिंग बोल देते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, ठीक। मान लो सैमसंग कंपनी को मोबाइल बनाना है, क्या बनाना है, मोबाइल बनाना है। तो सैमसंग कंपनी क्या करती है, कंपनी सैमसंग है, ये क्या करेगी, किसी एक कंपनी को बोल देगी कि आप भैया हमारी स्क्रीन बना दो। मान लो बी कंपनी को बोल देगी आप हमारे लिए बैटरी बना दो, सी कंपनी को बोल देगी आप हमारे लिए कैमरा बना दो, डी कंपनी को बोल देगी आप हमारे लिए प्रोसेसर बना दो। समझ लो,
ई कंपनी को बोल देगी आप हमारे लिए बॉडी बना दो उसकी, समझ रहे हो ना। तो कंपनी सैमसंग है, इसने अपना काम जो है बाकी कंपनियों को दे दिया ताकि इस पर लोड कम हो जाए, काम की एफिशिएंसी बढ़ सके और कॉस्ट भी कम हो जाए। इसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तो देखो अब आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन क्या है। आउटसोर्सिंग मींस गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इंप्रूव एफिशिएंसी और रिड्यूस कॉस्ट। तो किसी भी काम को दूसरी एजेंसी को दे देना ताकि खुद की एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकें, कॉस्ट कम कर सकें, इसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। अब ऐसा क्यों करते हैं, जस्ट इमेजिन, चलो इसका और ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं। अब सपोज यार यूएसए में अगर ये कोई कंपनी, सपोज यूएसए में अगर ये कंपनी काम करवा रही है लोगों से आउटसोर्सिंग करके, तो यूएसए में यार लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, वहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा सैलरी मांगते हैं। मगर यही काम यूएसए की कंपनी अगर इंडिया में दे दे, तो इंडिया में आपको पता है गरीबी है, मतलब कंपेरेटिवली यूएसए की तुलना में ज़्यादा है, इंडिया में आपको पता है पेमेंट भी कम मिलता है। तो जो काम यहाँ पे सपोज 10 लाख रुपये में हो रहा है, वही काम इंडिया में कितने में हो जाएगा, 2 लाख रुपये में हो जाएगा। तो बताओ यूएसए की कंपनी आउटसोर्सिंग करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। कितने की बचत हो रही है, 8 लाख की बचत हो रही है। तो इसलिए आउटसोर्सिंग की जाती है ताकि कॉस्ट को बचा सकें, अपनी खुद की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। अब यार 8 लाख रुपए बच रहे हैं तो उसको कहीं दूसरी जगह पर लगा लेगी ना कंपनी, तो आउटसोर्सिंग इसलिए करते हैं ताकि कॉस्ट बचा सकें और एफिशिएंसी बढ़ा सकें। व्हेन आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग वर्क टू ओवरसीज लोकेशंस इट इज डिस्क्राइब्ड एज ऑफशोरिंग। तो अगर सपोज कोई यूएसए में बैठी हुई कंपनी अपने काम को ट्रांसफर करती है इंडिया की कोई कंपनी को, इसको हम बोलते हैं ऑफशोरिंग। क्या बोलते हैं, ऑफशोरिंग बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो ऑफशोरिंग क्या होता है, जब कोई देश किसी काम को किसी दूसरे देश से कराता है, ओवरसीज लोकेशन मतलब किसी दूसरे देश से कराता है, इसको हम बोलते हैं ऑफशोरिंग बोलते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर आउटसोर्स इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर केयर सपोर्ट, कॉल सेंटर सर्विसेज, एट टाइम ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज है इनको हम क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। अब यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट समझ लो आउटसोर्सिंग के, तीन टाइप। नंबर एक ऑफशोरिंग, ऑफशोरिंग मैंने अभी जस्ट आपको बताया, एक है ऑनशोरिंग और एक है नियरशोरिंग। तीनों में अंतर समझना, हालांकि बुक में बस एक ही दे रखा है ऑफशोरिंग, मगर अब मैं आपको तीनों समझाता हूं। देखो अगर सपोज कोई कंपनी यूएसए में काम करती है, कहां पे काम करती है, या चलो इंग्लैंड यूरोप में काम कर रही है, कहां पे कर रही है, यूरोप में, और यूरोप में भी इंग्लैंड में काम कर रही है, ठीक है। ये वाली लोकेशन आपको बताएं इंग्लैंड है, ठीक है। पहली चीज देखते हैं ऑनशोरिंग। ऑनशोरिंग क्या होती है, अगर मान लो कोई इंग्लैंड की कंपनी, कहाँ की कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी आउटसोर्सिंग के लिए किसी इंग्लैंड की ही कंपनी को काम दे दिया, इंग्लैंड की कंपनी है, किसी दूसरी इंग्लैंड की कंपनी को कुछ काम दे दिया है ना, जैसे मान लो मोबाइल की कंपनी कोई, तो बोल दिया कि यार हमारी बैटरी बनानी है, तो इंग्लैंड की कंपनी को बैटरी बनाने का काम दे दिया। तो जिस देश की कंपनी अगर वो काम आउटसोर्सिंग के दौरान उसी देश की कंपनी को देती है, तो इसको तो बोलते हैं ऑनशोरिंग। अगला है नियरशोरिंग। नियरशोरिंग का मतलब क्या है, इंग्लैंड की कंपनी है, अपने आसपास कोई कंट्री है, अपने बिल्कुल क्लोज में कोई कंट्री है, सपोज फ्रांस हो गया है ना, और नीदरलैंड हो गया, उस कंपनी को दे दिया कि यार ये हमारा आप काम कर दो, तो वो हो जाएगी नियरशोरिंग। अब अगला है ऑफशोरिंग। मान लो कंपनी इंग्लैंड की है और काम कहाँ से करवा रही है, इंडिया से करवा रही है, कहाँ से करवा रही है, इंडिया से, तो ये हो जाएगी ऑफशोरिंग। समझ गए ना, ओके। तो अब फायदे क्या है यार आउटसोर्सिंग के, समझिए ना। अब आपको पता है ना इंडिया में क्यों लोग आते हैं, इंडिया से क्यों ज्यादा आउटसोर्सिंग करवाते हैं, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बरबर के है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। जो काम इंग्लैंड का कोई वर्कर या इंग्लैंड का कोई मतलब व्यक्ति कि मतलब 2 लाख रुपए पर महीने के हिसाब से कर रहा है, इंडिया में वही काम 20,000 रुपए के हिसाब से हो जाएगा। तो सोचो यार कंपनी को फायदा होगा कि नहीं होगा। तो इट हैज रिजल्टेड इन ओपनिंग अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स इन इंडिया, चाइना, ईस्टर्न यूरोप, इजराइल, फिलीपींस, कोस्टा रिका, एंड इट हैज जनरेटेड जॉब्स इन दीज कंट्रीज। तो समझ में आ रहा है ना। तो जनरली क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं, कौन से कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्री होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑफशोरिंग करते हैं। कहां से ऑफशोरिंग करते हैं, डेवलपिंग कंट्री से। एग्जांपल, डेवलप्ड में आप यूएसए ले लो और डेवलपिंग में आप इंडिया ले लो, ठीक है, समझ रहे हो ना। इंडिया में क्यों लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहां पे क्या है, सस्ते वर्कर मिल जाते हैं, सस्ते, और सस्ते वर्कर मिलते हैं तो इनका प्रॉफिट बढ़ जाता है कंपनीज का। तो इसकी वजह से, आउटसोर्सिंग की वजह से, जो छोटे छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, या फिर मतलब डेवलपिंग कंट्रीज है, या जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे ये करते हैं आउटसोर्सिंग, और इन देशों में जॉब बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग इज कमिंग टू दोज कंट्रीज वेयर चीप एंड स्किल्ड वर्कर्स आर अवेलेबल। समझ में आ रही है बात। आउटसोर्सिंग कहाँ से ज़्यादा की जाती है, जहाँ पे सस्ते वर्कर होते हैं, स्किल्ड वर्कर होते हैं, और इन कंट्रीज को हम बोलते हैं आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज। अब आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज क्यों बोलते हैं, अब आपको पता है इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोग काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा इंडिया के जो वर्कर हैं, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह पर काम करने जाते हैं। तो ऐसे कंट्रीज को हम बोलेंगे आउट
माइग्रेटिंग कंट्रीज। मगर जब इन देशों को काम मिलेगा दूर बाहर से तो ये माइग्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क इन दीज कंट्रीज बाय आउटसोर्सिंग रेट ऑफ माइग्रेशन हैज कम डाउन। आउटसोर्सिंग बढ़ने की वजह से इन देशों में माइग्रेशन की समस्या थोड़ी कम हो गई है। मगर अब इससे एक दिक्कत भी है। क्या दिक्कत है देखो, अब मान लो यूएसए की कोई कंपनी काम कहाँ करवा रही है, इंडिया से करवा रही है। अब यूएसए के लोग नाराज हो जाएंगे, यार तुम तो बार गजब। यूएसए के लोग नाराज क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलेंगी। जॉब किसको मिल रही है, अब इंडिया के लोगों को मिल रही है। देखो, मेनी आउटसोर्सिंग कंट्रीज आर फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम जॉब सीकिंग यूथ्स इन देयर रेस्पेक्टिंग कंट्रीज। अब यूएसए के यूथ क्या कहेंगे, यार हमें तो जॉब नहीं मिल रही है, है ना। अब कंपनी यूएसए के लोगों को क्यों नहीं दे रही नौकरी, क्योंकि यूएसए के लोग जो हैं ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं। तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है, जो जॉब देने वाली कंपनी, आउटसोर्स करने वाली कंपनी, उसी के देश के यूथ कई बार क्या करते हैं, प्रोटेस्ट कर देते हैं, इस चीज़ का मना करते हैं आउटसोर्सिंग करने की। राइट, द रीजन बिहाइंड द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ आउटसोर्सिंग इज मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू ऑपरेट ऑफिस इन डेवलपिंग कंट्रीज विद मैक्सिमम प्रॉफिट। तो क्यों आउटसोर्सिंग करते हैं, क्योंकि अगर कोई यूएसए की कंपनी इंडिया में प्लांट ओपन करती है, इंडिया से आउटसोर्सिंग करती है, तो इंडिया में उनको जो ऑफिस को ऑपरेट करने में जो खर्चा होता है वो बहुत कम होता है, इससे उनको प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेटा प्रोसेसिंग कैन बी ईजिली कैरिड आउट इन एशियन, ईस्ट यूरोपियन और सम अफ्रीकन कंट्रीज। दे प्रोवाइड स्किल्ड आई टी स्टाफ विद गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स वर्किंग एट लोअर वेजेज एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेटा प्रोसेसिंग बहुत आसानी से कहाँ की जा सकती है, एशिया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, सम अफ्रीकन कंट्रीज। यहाँ पर क्या होता है, स्किल्ड लोग मिल जाते हैं, अच्छी अंग्रेजी इनको आती है और कम पैसे में काम करते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, इसलिए आउटसोर्सिंग ज़्यादा करते हैं इन देशों से। ठीक है, सपोज एक कंपनी है हैदराबाद या मनीला में, है ना, एक कंपनी बेस्ड इन हैदराबाद या मनीला कुड वर्क फॉर ए प्रोजेक्ट ऑफ एमएनसी बेस्ड इन यूएसए और जापान। कोई हैदराबाद में या मनीला, मनीला आपको पता फिलीपींस की कैपिटल है, हैदराबाद इंडिया में ही है, यहाँ पे कोई कंपनी है, ये यूएसए और जापान की कोई एमएनसी कंपनी के लिए काम कर सकती है, और हैदराबाद और मनीला वाली कंपनी का है कम पैसे में यूएसए की और जापान की कंपनी का काम कर देगी। अगर जापान की कंपनी या यूएसए की कंपनी वहीं के लोगों से काम करवाएगी तो पैसा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ओवरहेड कॉस्ट आर ऑल्सो लोअर्ड इन दिस कंट्रीज विच मेक्स ऑपरेशन मोर प्रॉफिटेबल। ओवरहेड कॉस्ट का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, अगर कोई कंपनी खुद ऑफिस खोलेगी, अगर यूएसए में ऑफिस लगाएगी, वहां पे लोगों को मतलब जॉब देगी, तो वहां पे बाहर के खर्चे ज्यादा होते हैं, ऊपरी खर्चे ज्यादा होते हैं, और यही ऊपरी खर्चे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, इन देशों में ये ऊपरी खर्चे क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो अगेन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो आई एम श्योर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, एक बार फिर सुनना इनको आराम से, एग्जांपल से रिलेट करने की कोशिश करना और बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली जो बुक है अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हर चैप्टर का एक एक टॉपिक मैंने अपलोड कर दिया है, आप टॉपिक का नाम डालो, आपको वीडियो मिल जाएगी, ना मिले तो आप बताना। ठीक है, सारे चैप्टर अपलोड कर दिए, अब नंबर आएगा आपका इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के जो चैप्टर रहेंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज सब्सक्राइब लकी एजुकेशन और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम कवर करेंगे एक टॉपिक, वो है डिजिटल डिवाइड। क्लास 12th की ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में जो चैप्टर अपना टर्सरी एक्टिविटीज वहां पर ये दे रखा है, और वैसे भी आपको आना चाहिए डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल डिवाइड। ठीक है, क्वेश्चन आए तो फोड़ देना है इसको आराम से। पहले समझ लो डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है। पहली बात तो डिजिटल वर्ड आते ही आपके माइंड में आ गया होगा कि डेफिनेटली हम मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट और इन सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, फोन वोन, जितनी भी जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इस सब को मिला के हम बोल देते हैं आईसीटी। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कुल मिला के इसको हम क्या बोलते हैं, आईसीटी। और आईसीटी क्या है, डिजिटल से संबंधित है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई डिजिटल का मतलब क्या है, कि डेफिनेटली हम इंटरनेट, मोबाइल और इस पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं। तो इसमें डिवाइड का मतलब क्या है, इसमें डिवाइड का मतलब ये है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ आपको आईसीटी के मामले में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे मिलेंगे, बहुत जबरदस्त ग्रोथ कर लिया उन्होंने, वहां पे आपको 5G टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी और बाकी 6G 7G पर वो काम कर रहे हैं। एक तरफ ये कंट्रीज, और दूसरी तरफ कंट्री कुछ ऐसे हैं जहां पर अभी भी लोगों को इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, यहाँ पे देखा कि कुछ कंट्रीज टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़े हुए हैं, कुछ कंट्रीज टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, डिजिटल डिवाइड। अब टेक्निकली देखी जाए तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले बहुत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। और कुछ कंट्री ऐसे हैं जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं,
तो ये एक प्रकार से गैप देखने को मिल रहा है आपको डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में। अगर ये गैप डिजिटली है तो इसको हम बोलेंगे डिजिटल डिवाइड। ये गैप आपको एक सिटी में भी देखने को मिल जाएगा। सिटी में कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी ICT, कुछ एरिया होंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होगी। ये सब किसकी वजह से होता है? इसके पीछे रीजन आता है इकोनॉमिक रीजन आता है। इकोनॉमिक मतलब जिसके पास पैसा है डेफिनेटली उसके पास डिजिटल सर्विसेज ज़्यादा होंगी, और जिसके पास पैसे की कमी है तो डिजिटल सर्विसेज कम से कम होंगी। तो यही है हमारा डिजिटल डिवाइड। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। आप चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। डिजिटल डिवाइड क्या है कि जो डिजिटल चीजें, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, इसके मामले में अगर दो रीजन में, दो क्षेत्रों में, दो एरियाज में अगर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिले कि एक एरिया बहुत आगे निकल चुका है, एक एरिया बहुत पीछे है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड इज बेसिकली डिस्क्राइब्स द अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? अनइवन डेवलपमेंट हो रहा है किसका? ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अनइवन डेवलपमेंट हो रहा है। कहां पर? वर्ल्ड में। किसी एरिया में तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है और किसी एरिया में टेक्नोलॉजी बहुत कम है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। हालांकि इंडिया इस मामले में बहुत आगे है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोग्रेस की है और ये जो गैप है इसको, गैप को कम करने में बहुत ज़बरदस्त रोल आया है। स्पेशली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जियो के आने के बाद तो अभी बहुत ज़्यादा इंडिया जो है डिजिटली कनेक्ट हो चुका है, और जो गैप हुआ करता था सिटी एंड रूरल एरियाज के बीच में वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है। इन द प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज आर शोइंग ए पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ICT इंडस्ट्रीज, वेयर एज द डेवलपिंग कंट्रीज आर शोइंग ए स्टडी और डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन ICT इंडस्ट्री, एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू रीजन इज नोन एज डिजिटल डिवाइड। तो आपको देखने को मिलेगा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका है ना, जापान और ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न यूरोप, ये जो कंट्रीज हैं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कंट्री जो हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है। लोग बाग जनरली 5G से कनेक्टेड हैं और ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन पर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, हाईफाई टेक्नोलॉजी पर ये काम कर रहे हैं। ये चीज़ें तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ तो ग्रोथ हो रही है। दूसरी तरफ अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करो, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज की बात करो, अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर लोगों के पास मोबाइल्स भी अवेलेबल नहीं है, तो यार सोचो कितने पीछे। तो कुछ कंट्रियों में धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है या बहुत कम ग्रोथ हो रही है, या फिर मान लो ग्रोथ ये जो है डिक्लाइन हो रही है। तो किस मामले में? ICT इंडस्ट्री के मामले में। तो इसी चीज को हमने टर्म दिया है डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल डिवाइड कंट्रीज में भी देखने को मिलता है। अगर आप कहो कि भाई अफ्रीका का मान लो कोई कंट्री है, सपोज कंट्री नाइजीरिया है, एक इंडिया है, तो आपको देखने को मिलेगा इंडिया डेफिनेटली फार अहेड है नाइजीरिया से। किसके मामले में? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले में। इंडिया यार हम इतने लकी लोग हैं कि यहाँ पर तो मतलब बहुत सस्ते में डेटा मिलता है, नहीं कई सारे कंट्रीज में इतना सस्ता नहीं मिलता। वर्ल्ड में सबसे सस्ता डेटा आपको इंडिया में ही मिलेगा। ठीक है, ये एक रीजन है कि जिसकी वजह से हम डिजिटली बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो खैर यहाँ पर दे रखा है कि इंडिया और रशिया में भी आपको बहुत जगह ऐसी देखने को मिलेंगी जहाँ पर डिजिटल डिवाइड देखने को मिलेगा। एक तरफ आप रूरल एरिया ले लो और दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज ले लो। तो सिटीज तो बहुत आगे हैं डिजिटली, बहुत ज़्यादा आगे, जबकि गांव पीछे हैं। तो यही जो गैप हो गया, यही जो भेदभाव हो रहा है गांव और शहरों में टेक्नोलॉजी के मामले में, इसी को हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। और कंट्रीज लाइक रशिया एंड एशिया, इंडिया एंड रशिया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी जो हैं, मेट्रोपॉलिटन जो बड़े बड़े सिटीज हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं। किससे? डिजिटल वर्ल्ड से। उनको लोगों को डिजिटल वर्ल्ड का एक्सेस भी है। किसकी तुलना में? गाँव की तुलना में। ठीक है, तो शहरों में जो आपको देखने को मिलेगा इंडिया में और रशिया में, शहर देखने को मिलेगा जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, बड़े बड़े सिटीज हैं, हाईफाई जो सिटीज हैं, वहाँ पर लोग अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं डिजिटल वर्ल्ड से, जबकि गाँव में ये लोग पिछड़े हुए हैं। ठीक है, यही है डिजिटल डिवाइड। आई होप डिजिटल डिवाइड आपके समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।